जी तरतम ऋषि पहले भगवान की कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हुए बोले बोले बेटा बर्मा जो बोले प्रभु आपकी चरण में हमें भक्ति मिली। बोले तपस्या बोले और कुछ मांग लो। बोले आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम धीरे धीरे बढ़े। मेरे मन में तो कोई शादी भाभी की कोई इच्छा है ही नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा को जान करके मैं तो शादी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्त है। बोले क्या शर्त बताओ। बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना फिर मैं शादी करूँगा। आप बोलो हाँ मेरे बेटे बनोगे। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा। बोले दूसरा शर्त क्या। बोले तब तक ये संसार में रहूँगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे ना फिर मैं घर छोड़ करके प्रभु का भजन करने के लिए चला जाऊँगा। भगवान तथास्तु बोल दिए। अभी कर्तम ऋषि को साथ में माता देवकी की शादी हो गई। जब शादी हो गई फिर कर्तम ऋषि भजन में बैठ गए। जब भजन में बैठ गए अभी पति देव भोजन नहीं कर रहे हैं, फिर पत्नी कैसे भोजन करेगी। अभी पति स्नान नहीं करते हैं, श्रृंगार नहीं करते हैं, फिर पत्नी कैसे करेगी। इसलिए उन्होंने अपना पति व्रता धर्म को साथ में पति की उन्होंने बड़ी सेवा की। इतने पति की सेवा की पति ने तो 1000 साल तक उन्हें तपस्या में बैठे। जब उनकी आँख खुली ना पति भोजन नहीं कर रहे, पति पत्नी कैसे भोजन करेगी। नहीं करनी चाहिए ना, माताओं का क्या कर्तव्य है। पहले भोजन करा के ऐसे नहीं बच्चों को नहीं खिलाया, पति को नहीं खिलाया, खुद खा लिया। ये क्या नियम है। ये नियम नहीं है। नियम क्या है, सबसे पहले तो ठाकुर को भोग लगाओ, उसके बाद में बच्चों को पति को खिलाओ और बाद में पत्नियां पत्नियां फिर भोजन करती हैं। इसलिए पति का जब आँख खुला है ना वो भूल गए मैंने कभी शादी भी किया होगा। सामने देखा है कि डोकड़ी बैठी हुई एक वृद्धा बैठी हुई। बोले तुम कौन हो। बोले आपको याद है कभी अपने शादी किया था। बोलो तुम वही देवती हो। और वो इतने सुंदर थी इतने सुंदर थी, जब ये अपना आंगन में खेलती थी देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके वो भी बेहोश हो जाते थे, इतने सुंदर थी। लेकिन उसने अपना पति की सेवा करते 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 बूढ़ी हो गई। देखो जो माताएं पति की एकनिष्ठ होकर के पति की सेवा करती हैं वो पति व्रता धर्म की, देखो इसका कितना महत्व है। बोले बताओ देवती तुमको क्या चाहिए। बोले ये बताओ आपने शादी क्यों किया था। आपने तो इसलिए शादी किया था भगवान हमारे बेटे बन करके आए तब इसलिए तो शादी किया था। बोले हाँ। बोले भगवान तभी बेटे बने नहीं, ठाकुर जी बेटे नहीं बने। तब श्री उन्होंने बोले जाओ एक काम करो ये बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। वो स्नान करते ही पहले जितने सुंदरी थी ना उसी से भी ज़्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई। 1000 दास दासियाँ प्रकट हुई। फिर कर्तम ऋषि ने एक सुंदर विमान उन्होंने प्रकट किया। विमान समझती हो एरोप्लेन, बड़े सुंदर उन्होंने एक विमान बनाए जिसका नाम था कामक विमान। कामक विमान का मतलब क्या है, जिसमें कोई पेट्रोल की डीजल की कोई जरूरत नहीं, जैसे चाहोगे ना वो एरोप्लेन वैसे ही उड़ेगा। जिसमें सुंदर राजमहल बना हुआ, सुंदर सरोवर है जिसमें राजहंस क्रीड़ा करते हैं, जिसमें सुंदर वहाँ पर फूल बारी लगा हुआ, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, अद्भुत उन्होंने विमान बनाया। और वो विमान में बैठ करके पति पत्नी आकाश में उड़ते रहे। कहते वो विमान कैसे हैं, वो विमान कैसे हैं। बोले जिसमें बैठ जाओ ना इसको भूख नहीं लगेगी, जिसमें ठंडा नहीं, जिसमें गर्मी नहीं, और जिसमें बैठ जाओ ना वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं बनेगा, वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं बनेगा। इतना सुंदर विमान, सब मेरे तरफ पे देखो, इधर उधर मत देखा करो। इसलिए ऐसे सुंदर वो विमान, अभी उनको नॉट हो बड़ी सुंदरी सुंदरी उनकी बेटी जन्म हो, अद्भुत सुंदरी। क्योंकि पिता माता जितना सुंदर हैं कि बच्चे भी उतना सुंदर होते हैं ना, इसलिए इतनी सुंदरी उनकी बेटी हुई नॉट हो। अभी कर्तम ऋषि बोले देवती
अभी तो तू खुश हो गई ना, तेरे नौ बेटियां हो गई। बोले नहीं, भगवान के वरदान क्या मांगा था, आप अगर बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा, ठाकुर तो बेटे बने ही नहीं। तो उन्होंने अपना पति की उन्होंने बड़ी सेवा की, पति सेवा की तो फिर ठाकुर ने इनके घर में बेटे बन करके आए, जिनका नाम हो गया श्री कपिल मुनि। बोले श्री कपिल मुनि की। अभी आप लोग ने बेटी की शादी कराए होंगे ना, किसने किसने बेटी की शादी कराई, हाथ बताओ तो। आप देखना जब एक बेटी की शादी कराओ घर खाली हो जाता है ना। और जिनके घर में नौ नौ बेटियां होगी बताओ, जिनके घर में नौ नौ बेटियां होगी कितना शादी करना कितना कठिन। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर तुम भगवान की भजन करोगे भक्ति करोगे ना, कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए अगर भगवान की आशीष चाहो, इसलिए अगर भगवान की भजन करो ना, ठाकुर की भक्ति करो, तो ठाकुर जी सारे काम कर देते हैं। आपने नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, वो दिन रात भगवान की भजन करता था, भक्ति करता था। जब उनकी बेटी की शादी की बारी आई ना, भगवान स्वयं बांके बिहारी वो सांवरिया सेठ बन कर गए और उन्होंने ऐसे शादी करवाई ना, हीरे जवाहरात की बरसात होने लगी, झड़ी लगी गई। इसका मतलब भगवान की भजन करोगे ना, ठाकुर जी सब काम कर लेंगे आगे के तुम्हारी। लेकिन पहले तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करोगे तब ठाकुर जी तुम्हारी घर का सारे काम करेंगे। इसलिए एक समय ब्रह्मा जी अपना नौ नौ बेटे को लेकर के आए, इनकी नौ बेटी और नौ बेटियां। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले शुभम शीघ्रम, जो अच्छा काम होता है ना तो काम को जल्दी जल्दी कर देनी चाहिए। पिता माता का क्या कर्तव्य है, घर में अगर बेटी हो सबसे पहले बेटी की शादी करो, ये पिता माता का कर्तव्य है। बस नौ नौ बेटी शादी होकर के चले गए। लेकिन एक कर्तव्य इसने क्या बताया था, बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक घर में मेरे बच्चे नहीं हो जाए। लेकिन जब बच्चे हो गए, अभी कर्तव्य ऋषि भजन करने के लिए चल पड़े। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया भजन किसको करने जा रहे हो, बोले भगवान को। बोले भगवान तो तेरे घर में बेटे बन करके आए, पर तुम फिर किसको भजन करने के लिए जा रहे हो। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते ना, जब तक उनकी साधन नहीं करते हैं, तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रभु को प्रेम प्रभु को साधन करना पड़ेगा। और विशेष करके कलयुग में तो ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बताए, बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, क्या करो केवल भगवान का नाम जप करो, ठाकुर जी की घर का काम करो, हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की। राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण। सब ताली बजा कर बोल गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ठाकुर जी कलयुग में सबसे सरल उपाय बताया, कलयुग में ज्यादा कष्ट करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम जपते ही ठाकुर मिल जाएंगे तुम्हें।
एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कर्दम ऋषि भगवान को भजन करने के लिए कर्दम ऋषि चल पड़े। अभी घर में केवल दो व्यक्ति रह गए, माँ और बेटा। लेकिन ये माँ को पता है कि जो मेरा बेटा है ये भगवान है। एक दिन अपना माँ अपना बेटे को पास में आई, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं तो स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ ये चंचल करे और ये जीवन में हमें मुक्ति कैसे मिले। तो भगवान कहते, बोले माँ अगर ये संसार से मुक्ति पाना चाहते हो केवल एक सरल उपाय ही। बोले क्या है? कहते तू मेरे भक्तों का संग करो। कहते माँ ये जो मन को, ये मन ही सब कुछ है, अगर ये मन को भगवान की भजन में लगा दो फिर मुक्ति की कारण बन जाएगी। जब ये मन को फिर तुम विषय में लगाओगे ना फिर ये मन बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए ये क्या करो, ये मन को भगवान की भजन में मन को लगाओ। बोले बेटा तुम तो बोल दिया ये मन को भजन में लगाना, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन तो बड़ा चंचल है, ये तो एक मिनट में ये दुनिया घूम घाम करके फिर आ जाता है, हैं? ये मन तो बड़ा अशांत मन ही, फिर ये मन को प्रभु का भजन में कैसे लगाए? बोले संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संत लागे अच्छी बनेगी, चाहे किस्मत चलेगी अच्छी बनेगी, चाहे किस्मत चलेगी अच्छी बनेगी, चाहे किस्मत चलेगी अच्छी बनेगी, चाहे किस्मत चलेगी। Thank you.
हरी भजन में हरे के
की जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा देखो मैया, अगर ये भवसागर से पार होना चाहते हो, सबसे सरल उपाय मेरे भक्तों की संगत किया करो, उसी से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। फिर माता देवती प्रश्न करती हैं, बोले तुमने तो बता दिया संतों की संगत करो। बोले हाँ, लेकिन इस संतों का तो तू तो गुण भी होनी चाहिए ना, हमें कैसे पता चले ये संत ना असंत है। तब ठाकुर जी कुछ उनकी लक्षण बताते हैं, बोले तिथि सब कारुणिका अजात सत्रव संता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ, संतों का जो पहला लक्षण है, ध्यान देखो सुना, आप ये मत समझो ये बच्चों को भी मना नहीं कर सकते। तुम लोग क्या कर रहे हो, ये बच्चों के पास में देखे कि बच्चे बैठ जाओ, क्या करके बच्चों के पास में बैठ जाओ। इसलिए देखो इधर सुना, ध्यान दे करके, अगर कोई सोचेगा संत कौन है, बोले ये जो ऐसे जो कपड़ा पहन ले ना, भदुआ कपड़ा जो पहन ले वही संत। बोले नहीं, ये मत समझो जो घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए वही संत है, नहीं, घर में रह करके भी हम संत बन सकते हैं। देखो भागवत में ध्रुव महाराज क्या घर छोड़ कर चले गए थे, कल कथा सुन रहे थे ना, वो घर में थे। प्रहलाद महाराज क्या घर छोड़ दिए थे, वो भी घर में थे। अम्बरीश महाराज क्या घर को छोड़ दिए थे, वो भी घर में थे। इसलिए जितने बड़े बड़े संत है ना, वो सब घर में ही रहे। इसलिए जो जहाँ रह करके भगवान की भजन करे वही उतना बड़ा संत है। अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हमारी पहला गुण क्या होनी चाहिए, सहन शक्ति। कहते जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो ना सहे। अगर घर में अगर रह रहे हो, अगर बात बात में गुस्सा आता है, हैं, पर घर में शांति सुख रहेगा, घर में भी आग लग जाएगी। इसलिए कहीं भी रहो तुमको सहन करना पड़ेगा। देखो एक संत थे, कभी भी उनका गुस्सा नहीं आता था, कभी उनका क्रोध नहीं आता था। कुछ लोगों ने सोचा कि बाबा को कभी भी क्रोध नहीं आता है, एक काम करते हैं इनको आज हम मिल करके क्रोध दिलाएंगे। बोले कैसे, बोले जब ये गंगा में स्नान करके आएंगे सारे कचड़े उनके सर पर डाल देंगे, अभी कचरे का टोकरी लेकर के भर जाएंगे। बोले संत आएंगे तो उनको सर पर डाल देंगे, और जब वो स्नान करके आए ना उनके सर पर पूरा कचड़ा डाल दिया। लेकिन वो संत कुछ भी नहीं बोले, फिर संत जाकर गंगा में स्नान किया, फिर जब दूसरा बार आए ना फिर कचड़े को डाल दिया। जानते हो कितना बार डाल दिए, 100 बार उनके सर के ऊपर में कचड़े डाले। लेकिन वो संत कुछ भी नहीं बोले, जितना बार कचड़ा डाले उतना बार नहा करके आते। लेकिन जब 100 बार पूरी हो गया ना, उनके चरण में लोग गिर पड़े। बोले बाबा आज आपको हम क्रोध देना चाहते हैं, हैं, इसलिए आपका सर का ऊपर हमने कचरा डाले, इसलिए आपका चरण में हमने अपराध किया है। देखो संत क्या कहता है, भैया तुम लोग जैसे मित्र मेरा कोई नहीं होगा। बोले कैसे, बोले रोज गंगा में मैं एक बार नहाता था, लेकिन तुम लोगों का वजह से आज कितना बार गंगा में नहाना हो गया, 100 बार। तुम्हारा मेरा कल्याण किया है ना, हाँ। देखो इसलिए कहीं भी रहो क्या करो, सहन शक्ति सीखो, सहोगे फिर तो रहोगे, अगर ना सहोगे तो तुम्हारी नाश हो जाएगी। ये संतों का पहला गुण है, बोले तितिक्षव। बोले दूसरा गुण क्या है, बोले कारुणिक। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े संत कृपालु होते हैं। देखो एक समय एक संत स्नान कर रहे थे, इतने में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। वो संत ने कोशिश किया उसको पकड़ करके उसको बाहर निकालने के लिए, जब कोशिश करता है ना इतने में वो डंक मारता है बिच्छू, फिर उन्होंने फिर पानी में गिरता है, फिर संत उठाते फिर डंक मारता है, जितना बाहर उठाए उतना डंक मारता है। किसी व्यक्ति ने कहा भैया तुम उसको मदद कर रहे हो, तुम कोशिश करते हो उसको निकालने के लिए पानी में, लेकिन वो बिच्छू क्या कर रहा है, तुम उसे डंक मार रहे हैं, फिर तुम इसको क्यों, वो बहन उसको बहन दे ना। देखो संत क्या कहता है, बोले जब ये अपना स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, फिर मैं अपना स्वभाव को कैसे छोड़ दूँ बताओ।
इसलिए कहते हैं अगर हम भक्ति करना तो क्या करना पड़ेगा, एक तो सहन शक्ति और दूसरा जो गुण है दयालु कृपालु बनना पड़ेगा। संतों का ये विशेष लक्षण ही बोले सब कारण का बोले तीसरा गुण क्या है बोले श्रुही द सर्वदेहिना। संतों का कोई मित्र नहीं होते हैं, कोई शत्रु नहीं होते हैं, कोई इनके शत्रु नहीं होते, कोई मित्र नहीं होते, कहते वसुधैव कुटुंबकम, सबको वो अपना एक पिताजी का हम सब संतान हैं। हमारे पिताजी कौन है, ठाकुर जी हमारी पिताजी, हम उनकी सबके सब बच्चे हैं। इसलिए तमैव माता च पिता तमैव, हमारे एक पिता है ठाकुर जी, हम सबके सब उनके बच्चे हैं। कहते सुहृद सर्वदेहिनाम, सबको वो अपना परिवार मानते हैं। सुहृद सर्वदेहिनाम बोले अजात शत्रव, जगत में उसका कोई शत्रु नहीं होता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हेलो भूल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। शत्रु का कोई शत्रु नहीं होते हैं, उनका कोई मित्र नहीं होते हैं। बोले अजात शत्रु शांता साधु भी साधु भूषण, क्योंकि ये संतों का लक्षण है। बोले माँ ऐसे संतों का तुम संग करते रहना, जब तुम संतों का संग करोगे बोले संत करते हैं क्या, बोले मत कथा मत गता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखो ध्यान देखो सुनो, ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं ये संतों का क्या लक्षण है। संत करते हैं क्या, बोले हर समय मेरी कथा बोलते हैं, मेरी बाहर में सुनते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरे भक्ति करते हैं, मेरा नाम करते हैं, ये संतों का लक्षण। लेकिन हम लोग क्या जानते हो, अगर कोई चमत्कार दिखा दे ना हम उसको नमस्कार करते हैं, अगर कोई थोड़ा जादू टोना कर दे, हाथ में कोई पानी थोड़ी सी क्या लिया थोड़ा ले लिया अपना मिट्टी उसको विभूति बना दिया, बोले बाबा रे ये तो बहुत बड़ा संत है। हैं कोई अगर केले पकड़ कर दिया हाथ में कुछ नहीं, तुम्हें कोई आम पकड़ा दिया, बोले वाह वाह ये तो बहुत बड़ा संत है। अपने पीसी सरकार का नाम सुने हो, ये सबसे बड़ा जादूगर था पीसी सरकार। एक समय एक व्यक्ति अपना आप को भगवान कहता था, बोले हम तो भगवान हैं। पीसी सरकार मिलने के लिए गया, जब मिलने के लिए गया इतने में उसने क्या किया, ऐसे ऐसे हाथ करके ना एक आम हाथ में एक आम प्रकट करके उसको पकड़वा दिया। अब पीसी सरकार ने किया वो ऐसे ऐसे करके दो आम पकड़वा दिए, इतने में उसने ऐसे ऐसे हाथ करके एक मिठाई हाथ में एक मिठाई हाथ ले आया और उसको पकड़ा दिया। पीसी सरकार ऐसे करके दो मिठाई पकड़वा दिया। वो जो कुछ कर रहा था ये डबल दिखा रहा था। देखो क्या कहता है, बोले तो लोगों का बेवकूफ बना रहे हो और अपने आप को तो भगवान कहते हो। अगर तू ऐसे बोलोगे मैं तो सबसे बड़ा भगवान हूँ, तू जो जो दिखाया मैं उसे डबल डबल दिखा दिया तो तेरे से मैं तो बड़ा भगवान हुआ। देखो ये संतों का लक्षण नहीं है, ये संतों का लक्षण नहीं। चमत्कार का संत नहीं दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, हनुमान का नाम सुने कि नहीं सुने हो हनुमान जी, वो क्या करते हैं चमत्कार से दिखाते हैं ना, दिन भर राम का नाम लेते हैं। बोलो हनुमान जी क्या करते हैं, बोलो दिन भर ठाकुर का नाम जप करते ना, जय श्री राम, बोले श्री हनुमान लाल की। इसलिए जो संत है ठाकुर जी कहते जो संत है ना वो क्या करते हैं, संत वो भगवान की भजन करते, भगवान की भक्ति करते, चमत्कार का वो नहीं दिखाते हैं। हैं तुलसीदास जी का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं तुलसीदास जी का नाम, कोई चमत्कार का दिखाते थे, क्या करते थे राम की भजन करते थे, राम की भक्ति करते थे। इसलिए कुछ चमत्कार का वो दिख करके हम क्या करते हैं उस तरफ में भेज जाते हैं और दो दिन बाद में देखते हैं कहते जो गुरु जी थे ना अभी जेल में बंद हो गए। गुरु जी कहाँ चले गए, वो सब जेल में चले गए गुरु जी। इसलिए हमारे उड़ीसा में उड़ीसा का हूँ, वहाँ भी एक भगवान निकल गया था, वो जब ऐसे हाथ करता था ना शहद टपकता था, वो सांड से दूध निकाल देता था कुछ करके, अभी वो व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है, वो सब जेल में चले गए।
इसलिए भगवान कहते हैं ये संतों का लक्षण नहीं, संतों का लक्षण है भगवान की भक्ति करी, भगवान की कथा सुनाए, भगवान की भजन करी, ये संतों का लक्षण। इसलिए भगवान कहते बोले माँ मेरे भक्तों के पास में जाना, मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरी नाम करते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं, मेरी कथा सुनाते हैं। जब तुम मेरी कथा को सुनोगे धीरे 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 तुम्हारी जो मन है मेरी चरण में तुम्हारी मन लग जाएगी। जब मेरी चरण में तुम्हारी मन लग जाएगा तो मुक्ति संसार से उद्धार हो जाओगे। इसलिए तू संतों की संगत क्या करना। फिर भगवान कहते बोले माँ भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर चंडाल कुल में भी कोई जन्म लिया है लेकिन वो मेरे भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे गुह का चंडाल, नाम सुने होंगे गुह का चंडाल है, लेकिन वो चंडाल है लेकिन राम के वो भक्त है, और राम के वो भक्त हैं। इसलिए जो भक्तों का जो लक्षण है कहते भगवान की ये भक्ति करते हैं भजन करते हैं। फिर भगवान ने बोले देखना जब मातृ गर्भ में बच्चा का 7 महीना हो जाए, बच्चे का ज्ञान होता है 7 महीना में बच्चे का ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान होता है वो क्या देखता है, बोले मैं टाटी पेशाब का थाली में भी पड़ा हुआ है, पेट में क्या है बताओ, टाटी पेशाब खून पी इसके सिवाय और कुछ पेट में है क्या, कुछ नहीं। और टांग ऊंचा करके सर नीचा करके उसको 9 महीना बिताना पड़ता है, और उसी समय उसकी हजार हजार जन्म की बात याद आता है, पूर्व पूर्व जन्म में मैंने कैसे कैसे गलत गलत काम करके पैसा को कमाया था, लेकिन जब मैंने पैसा कमाया था पूरा परिवार तो मेरे साथ में थे, लेकिन जब कर्म का फल मैं भोग कर रहा हूँ अभी कहाँ मेरी पत्नी, कहाँ मेरे बेटे, कहाँ मेरे परिवार, कोई तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। फिर भगवान को पुकारता है बोले ठाकुर जी मेरे को ये नरक से जल्दी जल्दी मेरे को ये नरक से निकाल दो। ठाकुर जी कहते बताओ अभी क्या करोगे, बोले ठाकुर जी मैं समझ गई यहाँ संसार में कोई किसकी है नहीं, एक बार अगर हमें तुम जन्म दे दोगे मैं कान पकड़ता हूँ ये झूठे संसार में कभी नहीं फंसूंगा, दिन भर उठते बैठते सोते क्या करूँगा, तेरे नाम जप करूँगा, तेरा भजन करूँगा। हम लोगों ने भगवान को यही वायदा करके आए थे, लेकिन संसार में आकर के क्या हुआ, कहते आए थे हरि भजन को वो तो न लगे कपास। हम मातृगर्भ में यही ठाकुर जी को वायदा किया तेरा भजन करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिन भर टीवी लगा कर बैठ जाते हैं, स्मार्टफोन लेकर बैठ जाते हैं, अगर किसको बोलो थोड़ा भजन करो हरि नाम करो बोले समय कहाँ है मेरे पास, लेकिन बेटी बहू की बात हो ना घंटे घंटे उससे बीत जाती है, लेकिन प्रभु का थोड़ा नाम नहीं लेता है, ठाकुर जी की नाम नहीं लेता है। ध्यान देकर सुनो ठाकुर जी क्या कहते हैं, कि जब ये जी भगवान की भजन नहीं करता है भगवान कहते देख माँ अगर तू मेरे को भूल जाओगे ना तेरे को मैं बीच बीच में उबारने की दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए, ये मेरे फर्स्ट वार्निंग है, देखना बाल कहाँ से पकता है, यहीं से कान के पास में बाल पकता है, लेकिन जब हम शीशा में देखते हैं ना एक बाल पक गया क्या उसको उखाड़ देते हैं, बोले मेरे को इतना जल्दी बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो हैं, अभी हम बूढ़ा थोड़ी बूढ़ी हो गए बाल पक रहा है, अगर दूसरा बाल पक गया ना उसको भी उखाड़ देते हैं, अगर तीसरा बाल पक गया ना तब भी उखाड़ देता है, लेकिन जब खिचड़ी बन जाती है फिर क्या करते हो, फिर कलर कर देते हैं, रंग कर देते हैं उसको, रंग कर देते हैं केस को, फिर हम रंग मेहंदी लगा कर कलर कर लेते हैं, उसको वार्निंग को हम नहीं सुनते हैं। ठाकुर जी कहते फिर दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आँखों में फिर कमजोरी आ जाती है, देखने में कमजोरी आ जाती है, फिर क्या करते हैं बढ़िया चश्मा लगा देते हैं। ठाकुर जी कहते फिर तेरे को तीसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या करोगे, बोले जो दांत ना हंस रहे हो एक एक कर दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा। जब फिर सारे दांत टूट जाती हैं फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के फिर बढ़िया दांत लगा देते हैं, फिर खिलखिला कर हंसते हैं, बोले मेरा कुछ नहीं हुआ है। फिर भगवान कहते अगर तब भी नहीं सुनोगे ना फिर देखो मैं पंचमा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले 2 प्यार से ना 3 प्यार हो जाएंगे, मतलब समझती हो, फिर लठिया पकड़ना शुरू करोगे, डंडा पकड़ कर चलना शुरू करोगे,
भगवान कहते हैं ये मेरी एक एक वाणी है, इसलिए समय रहते समझ जाओ और समय रहते क्या करो, भगवान की भजन करना शुरू करो, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। भगवान की एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 वृंदावन बिहारी लाल की। जब जीव भगवान की ये वार्निंग नहीं सुनता है फिर क्या होता है जानते हो, फिर ये प्राण चल जाते हैं। जब प्राण चले जाते हैं आप देखे होंगे, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है उनके लिए आरती सजाते हैं, उनके लिए आरती सजाते हैं। आप लोग देखे होंगे जब आरती सजाते हैं उसको तो हाथ पैर को बांध देते हैं आरती में, लेकिन इस सर को एक तकिया के ऊपर रख लेते हैं, देखे होंगे ना कि तकिया के ऊपर रख देते हैं, और इसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जब ले जाते हैं क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, इसको बोलकर ले जाते हैं कि देख बेटा जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम तुमने जप किए हो अभी तेरे साथ में केवल वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए हो एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहा है। उसको सुनाते सुनाते ले जाते हैं, बोले जिंदगी भर तक तूने भजन नहीं किया, अरे अभी तक राम का नाम ले, अभी तक कम से कम राम का नाम तू तो अभी तो ले। लेकिन अब देखना जब उसको ले जाते हैं ना, सर तो तकिया के ऊपर रहता है ना, उसका सर इधर ऐसे करता है, बोले अभी तो ले, बोले नहीं लूँगा, हाथ पे आप तो बांधते हैं ना, सर वैसे रहता है, ऐसे ऐसे सर हिलता रहता है, बोले राम नाम सत्य, बोले अभी तो राम का नाम ले, बोले नहीं लूँगा, बोले अभी भी तू राम का नाम नहीं लोगे, बोले चल तेरे को दिखाते हैं। फिर चिता को ऊपर में उसको लेटा देते हैं, लेटा करके बोले भैया अभी तो राम का नाम ले, अभी तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, अभी तो जलाने के लिए जाते, बोले नहीं अभी भी नहीं लूँगा, बोले अभी भी नहीं लूँगा। फिर बेटा क्या करता है, उसको मुँह में आग देते हैं, मुखाग्नि देते हैं ना, उसको मुंह में क्यों आग देते हैं पता है, बोले भगवान तेरे को ये मुंह इसलिए दिया था भगवान के नाम जप करने के लिए, लेकिन तुमने जिंदगी में क्या किया है, ठाकुर का नाम तो जप किया ही नहीं, सारा दुनिया उल्टा पुल्टा बात करता रहा, इसलिए तेरे मुंह में आग है। लेकिन ये हमारी भक्ति जगत में है ना, मुंह में आग नहीं देते हैं, कहाँ आग देते हैं, उसकी चरण में देते हैं। बोले क्यों, बोले ये अग्नि एक देवता है, अग्नि ये देवता है, उसको कहते जिसने जिंदगी भर भगवान का नाम जप किया, ठाकुर को सेवा किया, ये अग्नि जो देवता ये क्या करता है, उनकी चरणों को प्रणाम करता है, उनकी चरण में देते हैं, मतलब चरण में मतलब अग्नि भी तेरे चरणों को पूजा करता है, जिसने ये जीवन पा करके भगवान की भजन किया। फिर भगवान कहते बोले माँ, फिर मरने का बाद क्या खत्म हो जाता है, बोले नहीं, फिर हमारे भारत में 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया करते हैं ना, 13 दिन बाद में, बोले क्यों, आपकी घर में कभी गौरव पुराण सुनते हैं, कभी मरने का बाद देखना गौरव पुराण सुनते हैं ना, वहाँ पर सारे वर्णना की गई, कहते मरने का बाद एक बैतरणी नदी उसको पार करना पड़ता है, कहते ये बैतरणी नदी क्या चीज है, कहते केवल टाटी पेशाब खून पी का ये नदी है, और उसको ऊपर में कोड़े मार मार करके वो नदी उसको पार कराते हैं, कहते नदी पार करने के लिए कितना दिन लगता है, कहते उसको 13 दिन लग जाते हैं, इसलिए 13 दिन के बाद में ये शुद्धि क्रिया कर होता है। लेकिन किसको ये बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा, देखो ध्यान देकर सुनो, ये ठाकुर जी सब बात को कह रहे हैं अच्छे तरह से सुनो ध्यान लगा करके, बोले किसको ये बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा, बोले उनको ही ये बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा जो जीवन में भगवान के नाम को नहीं लिया, ठाकुर जी की भक्ति नहीं की, जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं, जो तिलक नहीं लगाया, जिसने कभी ठाकुर का नाम जप नहीं किया, उन लोगों को ही ये बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा। इसलिए जम महाराज जमदूत को कहते हैं
बोले देखो जो भगवान की भजन करते हैं ना, ध्यान देकर सुनो, ये ज्ञान की बात है, ठाकुर स्वयं कहते हैं। बोले जो भगवान की भजन करते हैं जम दूत को कहते हैं खबरदार उनको पास में नहीं जाना, उनको तो भगवान की भक्त आकर के उनको बैकुंठ ले जाएंगे। बोले किन किनियों को लेना? बोले जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तब जम दूत फिर प्रश्न करते हैं, बोले बताओ हमें कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, कुछ लक्षण बता दो जिससे हमें पता चल जाएगा। देखो जम स्वयं कहते हैं, बोले ललाटे तिलकम, फिर जो भगवान की भक्ति करते हैं आप देखना यहाँ ललाट में तिलक लगाए हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तिलक देखते हैं क्या समझ जाते हैं कि ठाकुर का भजन करता है। दूसरी चीज बोले कंठे त्रिकंठिका, गले में तुलसी की माला पहनते हैं। बोले तीसरा चीज क्या है? बोले भगवान की नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। ये जो भगवान की भक्त है ना उनमें तीन लक्षण तुमको देखने को मिलेगा। तीन लक्षण क्या? बोले ललाट में तिलक दिखेगा, गले में तुलसी की कंठी दिखेगी और भगवान की नाम जप करते हैं ये चीज दिखेगा। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अगर तुम देख लोगे ना फिर क्या समझोगे, भैया ये ठाकुर की भक्ति करने वाले, ठाकुर जी का भजन करने वाले, उनको दूर से प्रणाम करना, उनको दूर से प्रणाम करना, वो कभी ये बैतरणी नदी को कभी ये पार नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप लोग गले में कंठी पहनोगे, तिलक धारण करोगे, भगवान के नाम जप करोगे ना, कभी भी ये बैतरणी नदी तुम्हें पार करना नहीं पड़ेगा, सीधा तो तुम ठाकुर के पास ही जाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। फिर जब वो बैतरणी नदी पार कर लेता है फिर उसको बाद में क्या होता है? फिर जैसे जैसे जीव कर्म करता है तो कर्म के अनुरूप जीव को फिर 84 ये नरक उसको भोगना पड़ता है। जो जीवन में मांस मछली खाए, आप पंचम स्कंद पढ़ करके देख लेना, उसको क्या करते हैं, जैसे उन्होंने बोटी में उसको काटे ऐसे ही उसको भी जिंदा जिंदा करके में काटते हैं। जिसने ये तराज में हेर फेर किया उसको अंगुल काट देते हैं। जीवन में जो शराब पिए हैं उसको मुंह में लोहे को गला करके उसको मुंह में डालते हैं। बोले ठाकुर तेरे को मुंह शराब पीने के लिए दिया था ना, भगवान के नाम करने के लिए दिया था। ये पंचम स्कंद में सारी चीज वर्णन आती है। और इन्हीं आँखों में जो गंदी गंदी चीज को देखते हैं ठाकुर जी को छोड़ करके उनको आँख निकाल देते हैं। ऐसे उसको 84 नरक में उसको भोग भोगा करके फिर क्या होता है? फिर उसको चंद्रलोक में भेज देते हैं। चंद्रलोक में जा करके फिर वो जीव चंद्रमा को किरण दे करके किसी फल को वो आश्रय ग्रहण करता है। हम लोग को कहते हैं ना दाने दाने में, बोलो दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है। जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा ना वो व्यक्ति वही फल को ही खाएगा है। देखो एक सुंदर कथा सुन लो। बोले एक समय एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक था, नास्तिक जानते हो जो भगवान को नहीं मानता है, और एक व्यक्ति था आस्तिक जो भगवान को मानता है। एक बार ये दोनों में भैंस हो गई। बोले दोनों में क्या भैंस हो गई? दोनों में इधर देखो मेरे तरफ में क्या भैंस हो गई? जो भगवान की भजन करता था उसने कहा था देख भैया दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है, और जो भजन नहीं करता था बोले अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा कृष्ण आकर थोड़ी मेरे मुंह में ठोस ठोकर से खिला देगा। जो भजन करता था बोले देख अगर तेरे भाग्य में लिखा हुआ है उसको तुमको खाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है मैं देखता हूँ कैसे खाना पड़ेगा। उसने घोर जंगल में चला गया और जा करके ना एक नदी किनारे में एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया। बोले देखता हूँ अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे को कौन खिलाता है। लेकिन वो ऊपर बैठ करके देख रहा था। इतने में देखा कुछ जंगल में कुछ लोग वो आ करके उसी पेड़ को नीचे ना बड़ी सुंदर प्योर घी की पूरी बनाने लगते, आलू गोभी की सब्जी और बड़े सुंदर हलवा बनाना शुरू कर दिया और उसका खुशबू ऊपर जा रहा था। बोले भैया मैं गरीब, मैं आकर घोर जंगल में और यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर आकर के बैठ गया पेड़ के ऊपर में, ये लोग पता नहीं कहाँ से आए और यह सुंदर सुंदर एकदम पूरी गर्म गर्म पूरी और फूलगोभी आलू की सब्जी और प्योर घी के हलवा बनाना शुरू कर दिया।
जब वो बना रहे थे ना, जब बन गया, इतने में कुछ डाकुओं ने आक्रमण किया। जब डाकुओं ने आक्रमण किया, वहां के लोग तो भागना शुरू हो गया। बोले भैया डाकू आक्रमण कर रहे, भागो यहाँ से, भागो। इतने में जो बना था ना, वो सबके सब लोग छोड़कर भाग गए। जब भाग गए, इतने में डाकू लोग वहां पर आ गए। बोले भैया बड़े सुंदर पूरी है, अरे प्योर घी के हलवा, काजू पिस्ता डाला हुआ, और बड़े सुंदर क्या आलू की सब्जी, फूल गोभी की सब्जी। बोले भैया बड़े तेज से भूख लग रहा है, चलो इसको। इतने में एक व्यक्ति ने कहा, बोले सावधान, इसको खाना मत। बोले क्यों? बोले लगता है कुछ लोगों को पता है हम इसी जंगल में रहते हैं, लगता है किसी ने हमें मरवाने के लिए यहाँ पर पूरी हलवा और बड़े सुंदर यहाँ पर सब्जी बना करके रखे, नहीं तो जंगल में कौन बनाएगा। इसमें लगता है जहर मिला करके रख कर गए, हम खाएंगे तो मरेंगे। बोले भैया तुम तो सही बता रहे हो, हैं? बोले देख आसपास में जरूर कोई होगा। इतने में देखते देखते जब वो पेड़ के ऊपर देखा ना, वो व्यक्ति बैठा हुआ। बोले देखा हमें क्या बोल रहा था, सच है कि नहीं? बोले सही बोल रहे थे। बोले भैया तुम हमें मरवाने के लिए यहाँ जहर मिला कर रखे, नीचे उतर, नीचे उतर वहां से। उसको जोर जबरदस्त से नीचे उतारा। बोले खाना खाओ। उसने मना किया, मैंने बनाया नहीं। बोले तो नहीं बनाया, कौन बनाया बनाने वाले, खा इसको। वो खा नहीं रहा था, मार एक थप्पड़ उसको। बोले खाओगे नहीं, हमें मरवाओगे। वो दो तीन व्यक्ति का भोजन था, और उसको मार मार करके ना मुंह में ठोस ठोस करके उसको दो तीन आदमी को भोजन करवाया। बोले हमें मरवा, तुम मर, हम जा रहे। अभी उसको विश्वास हो गया, भैया दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। मैंने कहा झगड़ा करके घोर जंगल में, कहा ये नदी को किनारा में पेड़ के ऊपर बैठ गया, और मेरे भाग्य में लिखा हुआ है ना, हैं? भाग्य में लिखा हुआ। अब देखना संसार में भी क्या होता है, अगर तुम्हारी भाग्य में लिखा हुआ नहीं आज भोजन, लेकिन वो भोजन का थाली आ गया, लेकिन आज तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं हुआ। देखना भोजन करने बैठो, पत्नी को साथ में लड़ाई होगी, नहीं तो बच्ची को साथ में लड़ाई हो जाएगा। तुम क्या करोगे, खाना को वहीं रख करके भाग जाओगे। बोले खाने के लिए बैठा हुआ और तुमने झगड़ा की, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मतलब क्या है? मतलब है इसकी भाग्य में भोजन नहीं, लेकिन दिखाई क्या पड़ता, झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं, तेरी भाग्य में आज भोजन लिखा हुआ नहीं, इसलिए कहते दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। तब उसको इतना विश्वास हो गया, देखो उसने क्या दोहा लिखा। बोले अजगर ना करे चाकरी, पंखी करे ना काम, दास मलू को कह गए सबके दाता राम। इतने बड़े वो संत बन गया, इतने बड़े संत बन गए। इसलिए ये ठाकुर जी कहते हैं जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा ना, वो व्यक्ति उन्हीं फल को खाएगा, खा करके अंदर में जाएगा, जाकर क्या होगा, वीर्य बनेगा। वीर्य बनने पर फिर पति पत्नी के मिलन होगा, मिलन होने पर वो जो जीव फल को आश्रय किया हुआ, वो कहाँ पर प्रवेश किया, पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। प्रवेश करने पर वहीं पर फिर वही जीव वहीं पर प्रकट होता है। फिर इस जगत में इंसान का जीवन को लेकर के दोबारा संसार में आता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते बोले माँ, अगर तुम जीवन में भक्ति करना चाहते हो, मेरे संतों का संग किया करो, और संतों का संग से मेरी कथा सुना, और कथा सुन के क्या करो, मेरे भजन करो, मेरे भक्ति किया करो। मेरी भक्ति करोगे तो तुम ये भव संसार से पार हो करके तुम भगवान को पास में चले जाओगे। अगर एक बार तुम भगवान को पास में चले गए ना, फिर संसार में दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम को जप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठाकुर जी की नाम जप करना पड़ेगा। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं इतना तुमको हाथ उठा कर क्यों भगवान का नाम जप करा, तुम जानते हो कि जो भगवान का नाम है ना,
इसका आवाज जितना दूर तक इसकी आवाज जाएगी, देखो शास्त्र कहते हैं बोले सर्व पाप उपशमनम, कहते भगवान का नाम जितना दूर तक जाएगा बोले सर्व उपद्रव समनम, जितने संसार में दुख कष्ट है, जितने संसार में व्याधि रोग ये सबसे सब खत्म हो जाएगी। कहते शांति दम, जीवन में शांति मिलेगी। हाँ सर्वारिष्टम, अगर तुम्हारी कोई जीवन में शत्रु हो ना, भगवान का नाम जब करोगे तो सब तुम्हारे शत्रु विनाश हो जाएंगे। इसका आवाज़ जितने दूर तक गांव के जाएगी उतना दूर तक सारे दुखों का से दूर हो जाएगा। एक बार तो नाम जब करते हो, लेकिन यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए, कितने भक्त बैठे हैं, 300-400 भक्त लोग बैठे हुए, लेकिन एक बार तो नाम लोगे, लेकिन सबका नाम तुम्हारी कान में पड़ेगा। नाम तो एक बार लोगे, लेकिन 300-400 बार नाम करने का फल मिलेगा तुमको। इसलिए जितने प्रभु का नाम जब कर सकते हो उतना ही कल्याण ही कल्याण है। अभी एक सुंदर भजन सुनो, प्रभु जी एक सुंदर भजन बोली बाकी बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। एक काम कर सकते हो, हाँ ये जो माता है ना, अब थोड़ी थोड़ी सरक करके बैठ सकते हो, जो पीछे आ गई है ना बच्चों को कहीं ना, बच्चे सारे इधर आओ, ये तो उधर थोड़ा एक लाइन बना दो, जो व्यक्ति आए इधर आकर बैठ जाए, इधर बहुत सारी जगह पड़ा हुआ है, इधर आ बच्चे, इधर अंदर में आकर बैठ सकते, चलो इधर, हाँ बच्चे आ जा, बच्चे आ जा इस तरफ में, आ जा बच्चे, आप लोग थोड़ा आगे आगे बढ़ जाओ। गाँव में लगता है कोई गोपी है नहीं, कोई नाचती नहीं है, हमने सुना था कि गाँव में जब ठाकुर का कीर्तन हो सब इतना नाचते नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई जब कौन कब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, हृदय में जब इतना आनंद आए, इतने जोर से उठने और हृदय में नहीं समा सके, तभी कोई व्यक्ति नृत्य करता है। दुख में कोई नहीं नाचता है, सबके सब आनंद में नाचते हैं। अगर ठाकुर का कीर्तन में एक बार नाच लिया ना, तुमको 84 लक्ष्य पूरी नाचना खत्म हो जाएगा। सबके सब एक बार खड़े हो जाओ, बैठ बैठ के प्यार दर्द हो गया, हाँ खड़े हो जाइए। Yeah.
आज के आनंद की जय जय श्री राम। बोलो हरे कृष्ण सभी को हाथ उठा कर बोलो बच्चों सारे बोलो हरे कृष्ण हाथ उठा कर हरे जो बच्चे बात करेंगे उनको पकड़ करके बाहर निकाल देंगे। इनको आगे से पीछे करो ये यहाँ उधर मचाएंगे बोलो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर हाँ ध्यान देकर सुनो। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी उन्होंने नरक का वर्णन किया जीव जैसे जैसे कर्म करता है कोई बात मत करो इधर सुना सब देखो देखो मैंने पहले बताया था ना अगर कथा सुनना हो ध्यान देकर सुना अगर कथा सुनना हो आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठो अनजान व्यक्ति के पास में बैठो फिर तो कथा सुनोगे नहीं तो वो बेटियों की बात करोगे यहाँ पर बैठे इसलिए जिसको जानते हो उससे थोड़ा अलग हो जाओ जिसके जानते हो उससे थोड़ा अलग हो जाओ और ये बच्चों को कोई संभालने वाले कोई नहीं यहाँ पर ये बच्चों को कोई संभाले व्यक्ति आकर के बीनू ये जो नहीं सुनेगा उसको पकड़ कर बाहर निकाल देना। हरे कृष्णा बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री लालू भैया आप इधर बैठे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे नहीं तो बच्चे लोग भी ये संभाल लें आप उधर बैठे बिनु जो बात करेगा उसको उठा करके बाहर निकाल देना देख कर तुम देखते रहो कौन बात करता है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले देखो जीव जैसे जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप ही फल भोग करता है तो उन्होंने नरक का वर्णन किया कैसे जीव नरक में कितने दुखों का कष्ट भोग करते हैं। तब श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया बोले सुखदेव गोस्वामी आप ये बताओ अगर इसमें पाप कर्म किससे हो गया लेकिन ये पाप कर्म से मुक्ति मिलेगा कि नहीं। बोले हाँ मुक्ति मिलेगा। बोले कैसे बोले शास्त्र में ये बताया अगर तुमने ऐसे पाप कर्म किया ना अगर ये पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए तुम ये प्रायश्चित करो फिर तुमको पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगा। उन्होंने बताया देखो जो प्रायश्चित है ना कैसे है जैसे 8-10 दिन के लिए तीर्थ में घूमने के लिए गए हो जब तीर्थ में घूमते हैं उल्टा पुल्टा चीज खाते नहीं झगड़ा नहीं करते हैं झूठ नहीं बोलते हैं खूब दान पुण्य करके आते हैं लेकिन फिर जब घर में आ जाए ना फिर वही बहू के साथ में फिर लड़ाई दो फिर वही झूठ बोलना फिर तेल में फिर उल्टा पुल्टा चीज मिलाना चावल में फिर कंकड़ मिलाना फिर तो दो बार फिर पाप करना शुरू कर देता है वो व्यक्ति। जैसे कि हाथी को आप तालाब में उतार करके अच्छे तरह से स्नान करा दो हाथी का स्वभाव क्या जानते हो वो ऊपर उठते ही पहले देखेगा धूल कहाँ पर है वो सूर में धूल लेकर फर करके उठाएगा सारा शरीर लगा कर फिर जाएगा। यदि जो प्रायश्चिति है वो जब करेंगे उतना अधिक पवित्र रहेंगे फिर आकर के वही घर में झूठ बेईमानी लड़ाई फिर सारे उल्टा पुल्टा चीज फिर करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न करते हैं बताओ ऐसे कौन सा काम है जो काम करने पर जीव को फिर कभी हृदय से पाप कर्म करने की वृत्ति नहीं लगे पाप कर्म करने के लिए इच्छा नहीं जाए ऐसे कोई उपाय है। बोले हाँ ऐसे उपाय है। बोले क्या है बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नौ धुन्नति त्राष्णेना निहार इव भास्कर। जैसे सूरज उदय होने पर क्या होता है सारे अंधकार दूर हो जाता है सारे कोहरा दूर हो जाता है। इसलिए अगर जीवन में कोई ठाकुर का नाम जप करोगे ना ठाकुर जी की अगर नाम जप करोगे तो क्या होगा नाम क्या है वो सूरज सदृश है। भगवान का नाम अगर जप करोगे
हृदय से तुम्हारी पाप कर्म करने का वृत्ति खत्म हो जाएगी। बोले सुनो तेरे को एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। बोले एक समय एक अजामिल नाम का जो व्यक्ति था, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, बड़े सुंदर विचार संपन्न, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूता है, अपना बड़े निष्ठा नियम व्रत को पालन करता है, अच्छे तरह से अपना जीवन बिताया करता था। घर में शादी हुई, घर में ब्राह्मण घर में जन्म हुई, घर में पत्नी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी पत्नी, कम उम्र थी। लेकिन एक दिन उसने जंगल में गया था। बोले क्यों? रोज यज्ञ करता था, यज्ञ की सामग्री लेने के लिए फल फूल को संग्रह लकड़ी को संग्रह करने के लिए गया था। लेकिन हठात उसने एक दुष्कर्म देख लिया। बोले उसने क्या देखा? एक शूद्र और एक शूद्राणी शराब पी करके रखे और विवस्त्र होकर के दोनों मिल रहे हैं। इतने में वो तो देखने लग गया, अपना आंखों को हटा नहीं पाया। जब उसको हृदय में ना ये फटो खींच गई। लेकिन जब घर में आया, देखो अगर कोई आंखों में अगर कोई गंदी चीज देख लिया ना, ये जितने इंद्रियों में सब भी कौन है? ये आंख है। हम जब भजन करने के लिए बैठ रहे हो कि कौन सा चीज की आदि आती है, आंखों में जो जो चीज हम देखे हुए होते हैं। अभी वो घर में आ गया, पत्नी कम उम्र की, लेकिन दुस्संग का इतना प्रभाव है, कम उम्र घर में ब्राह्मणी उसको उसने त्याग दे दिया। वो जो वेश्या थी शूद्राणी उसको साथ में रहना शुरू कर दिया और उसको औरत से उसने 10 बच्चे जन्म दिए। और किसी तरह से जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम नारायण रखा। देखो ध्यान देकर सुनो, अभी ये डाइवोर्स फाइवोर्स इतना क्यों हो रहा है जानते हो? भारत में अब जितने बड़े बूढ़े हो कभी डाइवोर्स नाम सुने हो? आज हम एक ज्योतिष मेरा एक शिष्या है, बहुत बड़ा ज्योतिषी, वो मेरे पास में आई थी। मैंने पूछा कैसे काम धाम चल रहा है? बोले सही चल रहा है। मैंने पूछा सबसे ज़्यादा केस क्या आती है? बोले डाइवोर्स का केस। पत्नी कुछ दिन बाद में जो ज़्यादा करके डाइवोर्स किसको होता है? जो लव मैरिज करते हैं। फास्ट कटाई लव ही, कुछ दिन बाद में कटाई ली भी, फिर कुछ दिन बाद में कटाई की ली, समझ रहे हो? कुछ दिन पहले कहता हम तेरे को मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद में क्या करता है? मैं तेरे को छोड़ना चाहती हूँ। फिर कुछ दिन बाद में तेरे को मैं मारना चाहता हूँ। फिर कोर्ट में जा करके ना फिर केस लगाई थी। वो खुद बोल रहे थे, बोले बाबा सबसे ज़्यादा केस यही चीज़ आती हैं, पहले प्यार में प्रेम में शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर दूसरा का दोस्त देखने लग जाते हैं, कभी तेरे साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, तेरे साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, फिर झगड़ा शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये जो स्मार्टफोन है ना, इसमें जितने गंदी उल्टा पुल्टा चीज बच्चे देख करके जो उल्टा पुल्टा ज़्यादा काम करते हैं, वो इतने अच्छे व्यक्ति ब्राह्मण था, एक बार अगर गलत चीज़ को देख करके बुद्धि खराब हो गया और दिन भर जो स्मार्टफोन लेकर वो उल्टा पुल्टा फिल्म गंदी गंदी चीज़ देखें, उसको बुद्धि कब सही रह सकता है? वो बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए उसके औरत से 10 बेटे जन्म हुए, लेकिन हिंदू तो था ही। अभी जो सबसे जो छोटा बेटा था ना, उसका नाम रख दिया नारायण। और सबसे जो छोटा बेटा होता है तो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। अभी इसने हर बात बात में कहता है, बेटा नारायण तू कहाँ हो, बेटा नारायण पानी ले आ, बेटा नारायण मेरे गोद। अभी बात बात में नारायण नारायण। अभी इसका मृत्यु का समय आया और जो कर्म करते हैं हम काय मन वाक्य से, अंतिम समय में तीन जंतुत उसको लेने के लिए आए और इतना भयंकर थे, गला में रस्सी को लगा करके उसको पकड़ करके उसको लेने चाह रहा था। इतने में अपना बच्चे को दूर से देखा नारायण को, जोर से बोला, बोले बेटा नारायण। बोले नारायण, ये चार अक्षर हैं, एक तरफ से तीन जमदूत, दूसरे तरफ में चार विष्णु, ए दोनों में घमासान लड़ाई हुई। वो कहते हम ले जाएंगे, ये कहते हम ले जाएंगे। इतने में विष्णु दूत ने कहा, बोले बताओ तुम लोग कौन हो? बोले धर्म राजा का दूत। बोले धर्म राजा का नाम पर अधर्म काम कर रहे हो? बोले अधर्म काम किया, हमको पता ही ये व्यक्ति कौन है, ये ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, पत्नी कम उम्र की ब्राह्मण थी, लेकिन ये वेश्या की चक्कर में पड़ करके अपना पत्नी को छोड़ा, ये वेश्या शूद्राणी को साथ में रहा, उसको हाथों में जितने अमेध्य कुमेध्य सब भोजन किया, उल्टा पुल्टा चीज मांस मछली अंडा सब गंदी गंदी चीज को भोजन किया, सीधा नरक जाएगा। जब विष्णु दूत कहते, बोले हे भगवान
कितना अन्याय देखो। बोले हाँ उसने गंदा काम तो किया है लेकिन पुण्य भी तो कुछ किया। बोले पुण्य क्या किया? बोले जो ठाकुर का नाम जप किया, ठाकुर का नाम लिया। बोले बा जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरते समय एक बार राम बोल तो हो जाएगा। देखो भगवान का नाम में कितने शक्ति है। तब जमदूत विष्णुदूत कहते हैं, उदाहरण दिया, जैसे एक रुई का ढेर हो नहीं तो भूस का ढेर हो, अगर उसमें आग की एक चिंगारी पड़ जाए बताओ क्या करेगा? बोलो जला करके राख बना देगा। जब जो भगवान का जो नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए उसने भगवान का नाम तो लिया। फिर जमदूत कहते हैं, बोले भगवान का नाम कब लिया? वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। देखो ध्यान देखो सुना, कुछ ले करके जाओ, ऐसे नहीं कथा में आए बैठ चले गए। तो उन्होंने बोले, उन्होंने भगवान को कब लिया? वो तो बेटा का नाम लिया, नारायण बुलाया। तब यहाँ विष्णुदूत कहते हैं, भगवान का जो नाम है चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे? बोले सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब होता है इशारा करके। जैसे बच्चों का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर राम रख लिया, और बच्चे को तो बार-बार बोलते हो कन्हा आ जा, राम आ जा, गोपाल आ जा, संकेत करके। नहीं तो बेटी का नाम राधा रख दिया, ललिता रख दिया, किशोरी रख दिया। बेटी को बार-बार बुला कर राधा इधर आ जा, ललिता इधर आ जा, किशोरी इधर आ जा, ये जो इशारा करके बुलाते हो इससे भी कल्याण हो जाता है। इसलिए आप देखना पहले पहले जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो सब देखोगे ठाकुर का नाम, रामपाल कृष्णपाल गोविंद सब ऐसे नाम होगा। जितने बड़े बूढ़ी बड़े बूढ़ियों का नाम पूछो, विमला राधा सीता गीता यही नाम होगा ना सबका। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, अभी बच्चों का नाम पूछो, टुन्नो बोलो टिंकी टिंकी। जितने विदेश में ना हम विदेश जाते हैं वो विदेश में सब कुत्तों का नाम है, विदेश में सब कुत्तों का नाम रखवाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का नाम को छुड़वा करके, कभी तो पुराना नाम था ना वो कृष्ण गोविंद सब पुराना नाम था, अभी बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वो अंग्रेजी पढ़ करके बड़ा होगा। इसलिए उसका अंग्रेज प्रिंस पता नहीं क्या क्या नाम बच्चों को रखवाते नहीं, इधर उधर नाम मत रखा करो। देखो भागवत में यही सिखा देते हैं। वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हाथ उठाओ? तो वहाँ पर देखना क्या अंग्रेजी मंदिर में, वो अंग्रेजी मंदिर में जाना देखना, छोटे छोटे अंग्रेजी बच्चों को देखना, उनको पूछना तुम्हारे नाम क्या है, उनको नाम को पूछ करके देख लेना, सब ठाकुर का नाम पर रखते हैं। हम कहते हेलो हेलो कहते, वो हेलो नहीं कहते हैं, हेलो नहीं कहते, कहते वो क्या कहते हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हैं। लेकिन हम अंग्रेजियों का शिक्षा को हम उतार रहे हैं, वो हमारी शिक्षा को ले रहे हैं, हमारी शिक्षा को उतार रहे हैं। उनको छोटे छोटे बच्चों को पूछना, गीता पूरा के पूरा गीता सुना देंगे, रामायण सुना देंगे, भागवत सुना देंगे, सब कुछ सुना देंगे। देखो ध्यान देखो सुना, बोले एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, हमारे बड़े गुरु जी के पास में कृष्ण आया। बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है। बेटा क्या नहीं सुनता है? सभी घर का यही खबर है, बेटा बात नहीं सुनता है। देखो गुरु जी क्या कहते हैं, बोले बेटा कभी रामायण पढ़ते हो? नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा उसको तो यही दुर्गति मिलेगा, क्योंकि कहाँ पर बताया पिता माता की आदेश पालन करने के लिए? रामायण में। रामायण में क्या बताया? बोले प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु न मई माता। ठाकुर सवेरे उठकर क्या करते थे? सबसे पहले पिता माता की पूजा करते थे। रामायण देखे हो? अभी तो लॉकडाउन में रामायण आया होगा, देखे हो? देखना जब दशरथ महाराज शयन किए हुए भगवान राम स्वयं जाकर पिताजी की चरण सेवा करने, देखे कि नहीं ठाकुर की कैसे ठाकुर जी पिताजी की चरण दबा रहे, देखे कि नहीं? ये कहाँ पर सिखाया गया कि पिता माता की सेवा करनी चाहिए? रामायण में। कहाँ पर बताया गया पिता माता के आदेश पालन कर? रामायण में। भगवान राम दशरथ का आज्ञा पालन करने के लिए कितना साल के लिए ठाकुर जी वनवास गए थे? बोला कौन बोलेगा? 14 साल तक गए थे। किसकी आदेश पालन करने के लिए? अपना माता नहीं, विमाता कैकेयी की, कौशल्या नहीं, कौशल्या नहीं कैकेयी की हैं, अपना सौतली माँ की। अभी तुम्हारे बच्चे को बोलो, भगवान राम तो 14 साल के लिए गए थे, तुम अभी अपना बेटे को बोलो पिता माता की आदेश पालन करने के लिए तू 14 दिन के लिए वहाँ पर चले जा। तुम्हारी कोई बेटा जाएगा?
स्वामी बनाने के लिए अपना घूमने के लिए तो 14 दिन तक घूमने जा सकता है, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए एक दिन में नहीं जाएगा। देखो ध्यान देकर सुनो, इसका क्या कारण है? बोले कारण ये है, हम रामायण नहीं पढ़ाते बच्चों को। क्या पढ़ाते हैं पता है? स्मार्टफोन। लो बेटा 10,000-20,000 रुपया का स्मार्टफोन ले लो, जिसमें पबजी देखते रहे, बस यही देखते हैं। ये हमारी दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं, ये हमारी दुर्भाग्य है। एक बार मैं कथा करने के लिए जयपुर गया था, ध्यान देकर सुना, जयपुर गया था, देखा एक 10 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने जो नाम बताया ना, मेरे को पता था मुसलमान है। मैंने कहा तेरे को कुरान आता है? वो छाती चौड़ा करके बोला हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा बोलो कुरान। वो झटा झटा कुरान बोलना शुरू कर दिया, 10 साल का बच्चा। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में इतने साल उम्र से ये कुरान पढ़ाते हैं? बोले हमारे मुसलमान धर्म में कंपलसरी, जब बच्चे को 2 साल हो जाता है ना, उसको कंपलसरी कुरान पढ़ाते हैं, कंपलसरी बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए देखना शुक्रवार को दिन ही पूरा रास्ता जाम कर देते हैं, बच्चों को टोपी पहना करके लेकर के मेन रोड को जाम कर देते कि नहीं छूटते कि नहीं। तुम्हारी किसी बच्चे को बोलो तो वो तो कुरान बोल दिया, रामायण का कोई चौपाई तुम्हारी बच्चों को याद है? गीता की कोई श्लोक तुम्हें याद है? कोई बोल दे, यहाँ कोई बोल सकता हूँ? नहीं। पूछो कौन हीरो का नाम क्या? अरे याद है। कौन हीरोइनी का नाम? है बड़ी याद है, अंटर संटर को याद करके रख लेते हैं। लेकिन असली चीज हमारी इतना, हमारे धर्म का इतना पतन क्यों हो रही है? कारण यही है, हम बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, गीता नहीं पढ़ाते हैं। अभी तो हमारे भाग्य है किसी तरह से, हमारे मोदी आ गया अभी हैं, मोदी आ गया अभी, अभी कोशिश कर रहा है जैसे कंपलसरी हर स्कूल में जैसे ये गीता जैसे पढ़ाई हो। ये मुसलमान अपना धर्म में इतने पक्के हैं, इतने पक्के, आप देखना नहीं कोई भी मुसलमान अपना धर्म को ऊपर में अंगुल उठाते हुए कभी सुनोगे? लेकिन जितने हिंदू को देखोगे, सारे हिंदू को देखोगे अपना धर्म को ऊपर अंगुल उठाते हुए, केवल हिंदू को देखोगे अपना धर्म को निंदा करते हुए। लेकिन किसी मुसलमान क्रिश्चियन को कभी नहीं देखोगे अपना धर्म के बारे में कभी उल्टा पुलटा। अगर आप चाहते हो घर तुम्हारी अयोध्या हो, भगवान का धाम का नाम अयोध्या था ना, अयोध्या मतलब क्या? जहाँ पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। अयोध्या मतलब जहाँ युद्ध नहीं होता था। अवध, अवध मतलब क्या? जहाँ कोई मरते नहीं, जहाँ कोई मरते नहीं। घर में हमारी लड़ाई झगड़ा कब नहीं होगा? अयोध्या घर कब बनेगा? अगर घर में रामायण पढ़ाई हो। क्या पढ़ाई हो? घर में बेटा कैसे हो? राम जैसे बेटा हो, बहू जैसे कैसे हो? सीता जैसे बहू हो, और बेटे कैसे हो? लव कुश जैसे बेटे हो, बस तुम्हारी घर ही अयोध्या, तुम्हारी घर ही अयोध्या धाम बन जाएगा। अगर तुम चाहते हो हमारे घर अयोध्या बने, घर में क्या करो? बच्चों को हरिनाम करो, रामायण पढ़ो, उनको गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, और उसको बोलो जैसे स्कूल जाने से पहले उसको ये बताओ एक माला तू जप करके जा, जैसे हम लोग ये माला जप करते हैं ना, जैसे इसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिनाम जप करते बच्चे को बोलो बेटा एक माला तू जप करके जा। अब देख लेना जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे का पढ़ाई में मन अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, उसको एक माला जप कराओ, देखना वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा। तुम देख लेना एक माला जप करके जाए, देखो इसमें क्या है, इसमें हरे कृष्ण, हरे मतलब क्या है? हमारे जो दुख कष्ट को जो हरण कर ले, अच्छी तरह से सुना, हम जो हरे नाम बोलते, हरे मतलब क्या? हमारे दुख कष्ट को जो हर ले। कृष्ण मतलब क्या? मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, बच्चों का पढ़ाई क्यों नहीं होता है? मन भटकता है तभी तो पढ़ाई नहीं होता है। कृष्ण मतलब क्या होता है? क्री मतलब होता है आकर्षण करना, खींचना। स्ना मतलब होता है आनंद देना है, जो भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं दे और जीवन में जो आनंद दे। राम मतलब क्या है? जीवन में हमें जो आराम दे और जीवन में हमें जो सुख शांति दे। अगर ये हरिनाम करोगे ना तुमको तीन चीज मिलेगी, कितना चीज मिलेगी, क्या क्या मिलेगी बोलो? हरे मतलब संसार का दुख कष्ट हरण होगा, खत्म होगा। कृष्ण मतलब मन इधर उधर भटकेगा या नहीं, मन तुम्हारी पढ़ाई में लगेगा, प्रभु में लगेगा। और राम मतलब होता है जीवन में हमें जो आराम मिले। अगर ये हरिनाम करोगे ना तीन फल मिलेगा। इसलिए बच्चों को क्या बोलो, बच्चा स्कूल जाने से पहले एक माला जप करके जाओ,
उसको बोलना माला जप करके जाओ, हरि नाम करके जाओ, देखना भगवान का नाम लेकर कहीं भी जाओ, अगर मिट्टी में भी हाथ लगाओ ना वो सोना बन जाए। क्यों? कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। इसलिए खुद पहले भजन करो, पहला गुरु कौन? माँ, उसको बाद में पिता, पहले माँ पिता, बच्चा सीखेगा तब। अगर माँ माता जी अगर हरिनाम करेगा ना, फिर बच्चा तो देख देख कर सीखे ना, भैया हरिनाम करती है, पिताजी हरिनाम करते हैं, इसलिए पहला गुरु तो पिता माता। इसलिए सबसे पहले किसको करना पड़ेगा? पिता माता को करना पड़ेगा। केवल बच्चे को बोलने से नहीं होगा, करेगा नहीं तो खुद नहीं करता। दिन भर स्मार्टफोन लेकर बैठे होगी और दिन भर टी वी देखती हो, बच्चे दिखाएगा वही सीखेगा, भैया जो करेगा वही सीखेगा। इसलिए क्या करना? हरिनाम करना। माता जी कहाँ जा रहे हो? इधर इधर घुमा है, ए इधर घूम कर खड़े हो। देखो ये जो माता जी है, देखो इसको गले में देखो माला झूला हुआ है, देख रहे हो, इसी गले में देखो कंठी पहनी है, देखो इसको तिलक लगाई है। तभी इनका जो बच्चे को देखोगे ना, इसके बच्चे में देखना सब तिलक लगाते हैं, इनके बच्चे को देखना गले में कंठी है, इनके बच्चे को देखना सब तिलक लगाते हैं हरिनाम करते। क्यों? माँ करती है ना, पहला गुरु माँ है। अगर आप चाहते हो तुम्हारी घर अयोध्या बने, युद्ध नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, तुम्हारी घर वैकुंठ भवन बन जाए, क्या करो? भगवान की भजन करो, हरिनाम करो, उल्टा पुल्टा चीज में मन को नहीं दे करके। ये जीवन बड़े कीमती चीज मिला हुआ है, 84 लाख जन्मों के बाद में ये जीवन मिला है, ठाकुर जी बारम्बार ये जीवन नहीं देंगे। इसलिए इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति करते हुए कहाँ जाना है? भगवान के पास में जाना, ठाकुर जी के पास में, इसी जीवन में जाना, ठीक है ना? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे, सब लोग कभी बोलते नहीं हो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे हरे कृष्ण। हाँ देखो भागवत में बड़ी सुंदर सुंदर जैसे अजामिल की कथा है, इतने में जो जमदूत ना, जमदूतों को दुष्यंत ने मार मार कर वहां से खदेड़ दिया। अभी जमदूत बड़े दुखी होकर के जब महाराज के पास में गए, बोले आज से आपका नौकरी नहीं करेंगे, लो तुम्हारी अस्त्र शस्त्र को ले लो। बोले भैया क्या हुआ है? बोले क्या हुआ, क्या है आपको जगत में कोई मानने वाला नहीं? हम तो पहले सोचते थे जगत का हरता धरता विधाता आप ही हो, सारा दुनिया में आपका आदेश पालन होता है, लेकिन आज पता चला आपका आदेश में कोई पालन नहीं करते हैं, दुनिया में कोई तुम्हारी आदेश पालन नहीं करते। बोले भैया बात तो बताओ। बोले एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था अजामिल, हम उसको लेने के लिए गए, पता नहीं कहाँ से चार हाथों वाले आ गए और इतने बेइज्जती हमें किया, उनका भला दिया वहाँ से। तब उन्होंने बोले भैया उसने कुछ बोला था? बोले हाँ, अंतिम समय में उसने नारायण नाम लिया था। क्या? किसका नाम लिया था? नारायण का नाम उसने लिया था। बोले नारायण नाम लिया था, मेरे प्रभु का नाम लिया था उसने, मेरे प्रभु का नाम लिया था। इसलिए बोले आपका भी कोई प्रभु? बोले मूर्ख हूँ, हर मैं तो नौकर हूँ, मेरे प्रभु तो प्रभु नारायण है, उन्होंने कृपा करके हमें ये किसमें ये नौकरी में हमें नियुक्त किया है। बोले देखो जो भगवान की भजन करते हैं ना, उनको मेरे पास में मत लाना। बोले हमें पता कैसे चलेगा कौन भजन करता नहीं करता, कुछ लक्षण बोल दो। हाँ ध्यान देकर सुनो इधर। बोले उनको अभी बता रहा था ना, उनका शरीर में 3 लक्षण बोलेगा। कौन कह रही है? जम को कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बोले 3 लक्षण क्या? बोले ललाटे तिलक, ललाटे में उसको तिलक देखोगे। देखो तिलक का बड़ा महिमा है, तुम लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई व्यक्ति अच्छे नया बिजनेस के लिए जा रहे हैं, हम उसको क्या करते? तिलक लगा कर बैठते, बेटा जा फिर बेह हो जाए। जैसे घर में ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा, देखना जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा ना, तब तक ब्राह्मण पूजा नहीं कराएगा। क्यों? तिलक के बगैर पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए आप बांके बिहारी को देखो, कृष्ण को देखो, कहीं फोटो देखो, देखो ठाकुर का भी तिलक देखो, भगवान राम को देखना उनको भी तिलक देखोगे, हनुमान जी को देखना तिलक देखोगे, शंकर जी को देखना तिलक देखोगे, नारायण को देखोगे तिलक, गणेश जी को देखो तिलक, 33 करोड़ देवता में किसी को भी देख लो तिलक के बगैर ठाकुर भी नहीं देखे। और हम जो तिलक लगाते हैं ना, ये गोपी चंदन है, देखो शास्त्र में बताया कि जो है ना ये ब्रह्मा है,
ये जो बीच में ना ये विष्णु है और ये शंकर जी ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये जो दो ऐसे हम खेलते हैं ना, क्योंकि ये ठाकुर का बांके बिहारी का दो चरण है, उसको नीचे देखो जो जैसे ठाकुर की चरण में तुलसी बता देते हैं ना, उसको देखो उसका जो सेब तुलसी बता देते, मानो ठाकुर की चरण में हमने तुलसी डाल दिया है। इसलिए ये तिलक की बड़ी महत्व है। ये तिलक कहाँ से आता है? द्वारका से आता है। ये नारद जी ये ब्रजरज को वृंदावन से लेकर के द्वारका में गई, ठाकुर को वहाँ स्नान कराया गया, वहीं से ये तिलक आता है। इसलिए देखना कृष्ण राम को यही तिलक लगाते हैं, क्यों? ये गोपियों की चरण धूलि, ब्रजवासियों का चरण धूलि है, इसको लगाने से मन पवित्र शरीर पवित्र रहता है, हैं? इसलिए शास्त्र में बताया जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं उसको शरीर में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी ये सारे तीर्थ उसको शरीर में रहते हैं, उसको शरीर में गीता सीता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती उसको शरीर में निवास करते हैं जो व्यक्ति तिलक लगाता है। इतने महिमा तिलक की बताया, गले में कंठी, हाँ देखो ये कोई लकड़ी मत समझो, ये गले में कोई लकड़ी मत समझो, हम किसी दुकान में जाकर के ढूंढना तुलसी पावर, देखना इतना बड़ा बोतल मिलेगा, उसको साथ में के इतना बड़ा कागज मिलेगा, तो पढ़ कर कलाना कहते 200 बीमारी की उसमें जो मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, अभी कोरोना आ गया था ना, रामदेव बाबा ने जो दवा निकाला ये तुलसी से निकाला था। दिन में अगर तीन तीन चार चार तुलसी को खाओगे ना, कभी में कैंसर कभी नहीं होगा, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, ये तुलसी में इतनी दवा है। जब हम गले में तुलसी कंठी पहनते हैं, स्नान करेंगे, अभी इसको टच करते हुए शरीर में जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारी को अपने आप निकल जाएगा। पुराण में श्लोक बताया, जिसकी गले में तुलसी कंठी जब स्नान करोगे इसका पानी जाएगा, कहते पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में घर में बैठ बैठ करके तुम्हारी स्नान हो जाएगा, ये तुलसी की इतनी महिमा। इसलिए भगवान की गले में तुलसी माला होता है ना, ठाकुर जी ठाकुर भी स्वयं तुलसी माला धारण करते हैं, भगवान राम कृष्ण नारायण ये भी तुलसी माला को ठाकुर धारण करते हैं। इसलिए ये कोई पेड़ नहीं, इसको पेड़ समझ रहे हो, पेड़ नहीं, ये माँ लक्ष्मी। आप देखना नारायण के साथ में तुलसी की शादी होती है, देखे हो कौन कौन देखे हो, क्यों? ये तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी, अगर किसकी गले में ये तुलसी कंठी आ गया ना, माँ लक्ष्मी की निवास होंगे। और हम कहते हैं ना वृंदावन में चलो, बोले क्यों? बोले बांके बिहारी, बोले वृंदावन में क्यों बांके बिहारी? कहते वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी की वन वहीं ठाकुर जी, इसलिए ये तुलसी में ठाकुर का निवास है। अगर गले में कोई तुलसी कंठी पहन लिया तो कौन आ गए? लक्ष्मी नारायण, दोनों तुम्हारी गला में, लक्ष्मी नारायण की निवास हो गई तुम्हारी गला में, इतने महत्व ये तुलसी की। इसलिए गले में तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए, जम कह रहे हैं, जिसको गले में तुलसी कंठी देखोगे, तिलक देखोगे और ठाकुर का नाम जब करते हुए, उनको मेरे पास में मत लाना, उनको प्रणाम कर लेना, उनको प्रणाम कर लेना। इसलिए अब सबके सब गले में कंठी धारण करो, तिलक लगाओ और भगवान की नाम को जप करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। स्तुति जल्दी जल्दी स्तुति बोलो। हमारे जो बीच में ये प्रभु जी, ये आपको थोड़ी सी भागवत का एक प्रसंग सुनाएंगे, जिसका नाम वित्रासुर प्रसंग है, बड़ा सुंदर मनोरम प्रसंग है ये प्रभु जी। आपको देखो ये जो बच्चा बैठा है ना, ये अंग्रेज जैसे लग रहा है ना, पूछ लो ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के, अच्छा लेकिन नहीं ये नहीं, ये अमेरिका के नहीं, ये जयपुर के हैं, ये सप्तबियर इंजीनियर हैं, और इसने इसका जो नौकरी थी ना, तो ये नोएडा में नौकरी थी, कौन सा ऑफिस में था तो इतना नौकरी, कौन सा ऑफिस में था बोला, अडोब में, इसका तनख्वाह करीब करीब 1,00,000 रुपया की थी, लेकिन उसने जब भक्ति की चस्का लगी सब छोड़ करके, अभी भगवान की भक्ति करता है और सब जगह में भगवान का नाम तो प्रचार करता है। देखो गले में कंठी तिलक सब पहने, और अब लोग अभी हम भी चाहते हैं तुम्हारे जो बच्चे लोग हैं घर में रहे, लेकिन भगवान की भजन करें, भक्ति करें और तुम्हारे घर का योद्धा बना दें, ठीक है? अभी आपकी थोड़ी कथा सुना। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणति अर्पण करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं समस्त रूपानुग गुरुवर के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए यहाँ उपस्थित समस्त हरिकथा श्रोत मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। गुरुदेव ने आदेश दिया है भागवतम के अंतर्गत जो वृत्रासुर का प्रसंग आता है उसके बारे में कुछ कहने का। देखो भागवतम के लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं, भागवतम में अनेक अनेक लक्षण बताए हैं। ये वृत्रासुर की कथा जो है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जब तक किसी ग्रंथ में ये वृत्रासुर की कथा ना हो, कहते हैं यत्रादि कृत्य गायत्रीम वर्णयते धर्म विस्तर और वृत्रासुर वधोपेतम, कहते हैं जिस ग्रंथ के अंदर ये वृत्रासुर की कथा होगी उसी ग्रंथ को ही भागवत कथा भागवत कहा जाएगा। ऐसे अनेक अनेक लक्षण बताए गए हैं, मतलब ये वृत्रासुर की कथा इतनी महत्वपूर्ण बता रही है। कहते हैं ये वृत्रासुर थे कौन, ये वृत्रासुर एक असुर था किंतु इनके पूर्व जन्म का क्या इतिहास था। कहते हैं ये पूर्व जन्म में ये थे महाराज चित्रकेतु, ये महाराज चित्रकेतु थे, बड़े ही विराट राज्य के राजा थे और एक समय ये अपने पत्नियों को लेकर और आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। एक विमान के अंदर बैठ के अपनी अनेक पत्नियों को रानियों को लेकर ये आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। जब कैलाश की ओर से गुजर रहे थे, कैलाश में इन्होंने देखा कि शंकर जी माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर और सामने संत बैठे हैं, वहाँ पर सभा के अंदर संतों को उपदेश दे रहे हैं। अभी ये चित्रकेतु महाराज जैसे ही वहाँ पहुँचे, इन्होंने शंकर जी को देखकर, और क्योंकि ये दोनों गुरु भाई हैं, अनंत देव इनके गुरु हैं शंकर जी के भी, शंकर जी के देखा होगा ना अपने गले में क्या होता है, सर्प रहता है ना, वो सर्प कौन है, अनंत देव, वो उनके गुरुदेव हैं। और ये चित्रकेतु महाराज ये भी अनंत देव के ही शिष्य हैं, तो ये दोनों लगते हैं गुरु भाई। तो गुरु भाइयों में मजाक तो होता ही है, तो इन्होंने मजाक करते हुए कह दिया, बोले अपनी पत्नी को कोई ऐसे गोद में बिठाकर और उपदेश देता है, पत्नी को तो अपने कमरे में घर में अपनी गोद में बिठाना चाहिए, पत्नी के साथ ऐसे गोद में बैठकर और वो भी संतों की मंडली में कोई ऐसे उपदेश देता है। उन्होंने इस तरह से अब अपने गुरु भाई के साथ में मजाक कर दिया। जब ये बात पार्वती ने सुनी, माता पार्वती को ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ, बोले तुम इतने बड़े राजा होकर और तुमको ये बिल्कुल बुद्धि नहीं, क्योंकि ये कौन है, ये है सत्यम शिवम सुंदरम, ये साक्षात भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त हैं और तुम इनके अंदर दोष देखते हो, बताया ना तेजी शाम ना दोषा है, तुम इनके अंदर दोष देखते हो, तुम्हारी ऐसी दोष बुद्धि है, बोले तुम ये मनुष्य हो योनि के लायक नहीं हो, तुम जाओ, तुम जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण करो। जब माता पार्वती ने ये श्राप दे दिया, तब वहाँ पर शंकर जी बीच में बोल पड़े, बोले पार्वती तुम देखने में जैसी सुंदर हो वैसे तुम भीतर से सुंदर नहीं हो, तुम अंदर से तुम्हारा मन मलिन है, क्यों, क्योंकि ये मेरे गुरु भाई हैं और इन्होंने मजाक करते हुए हंसी टिटोली करते हुए ये मुझे इस तरह की बात बोली थी। लेकिन जब माता पार्वती ने चित्रकेतु महाराज को श्राप दिया, चित्रकेतु महाराज ने क्या कहा, उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, बोले माँ आपने जो श्राप मुझे दिया है मैं उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि मैं असुर योनि में भी यदि जन्म क्यों ना लूँ, मुझे ऐसी भगवान का स्मरण सब समय बना रहे, आपके भगवान के भक्तों का संग मिले। तब शंकर जी यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे श्राप में इतना, ये चित्रकेतु महाराज इतना बलवान है, वे इतने सक्षम है कि तुम्हारे श्राप को निस्तेज कर सकते थे, उल्टा अगर वो तुम्हें श्राप देते तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाता। शंकर जी साक्षात कह रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज यदि पार्वती जी को श्राप देते तो वे भी रक्षा नहीं कर पाते, किंतु भक्तों का लक्षण क्या होता है, प्रणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु, जो माँ ने कहा, माँ पार्वती ने जो भी कहा उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, श्राप को ग्रहण करते हुए और असुर योनि में चले गए।
शंकर जी यहाँ कह रहे हैं, बोले मैं अभी ये तो गुरु भाई हैं हमारे, मैं उत्तर देने वाला था कि मैं तो एक पत्नी को अपनी गोद में बिठा कर घूम रहा हूँ, आप तो इतनी सारी पत्नियों के साथ में और रथ में घूम रहे हैं, मेरी तो एक पत्नी है लेकिन आपकी तो इतनी सारी पत्नियाँ हैं। बोले हम गुरु भाई हैं, मैं तो अभी उत्तर देने ही वाला था, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। जो भी था उसके बाद में वृत्रासुर का इस प्रकार, जब पहले चित्रकेतु महाराज थे और अगले जन्म में इन्होंने असुर योनि में वृत्रासुर के रूप में जन्म लिया। जब ये वृत्रासुर के रूप में जन्म लिए, अभी असुर और देवताओं के बीच में संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है। एक तरफ देवता हैं जिनका राजा है इंद्र और एक तरफ वृत्रासुर महाराज है। इंद्र ने ददीची ऋषि की हड्डियों से एक वज्र तैयार किया जिसको ये वृत्रासुर को मारने के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, भक्त क्या चाहते हैं, एकमात्र भगवान का स्मरण चाहते हैं, तो अपने मरणासन स्थिति पर भी, अभी क्या स्थिति है, युद्ध के समय पर संग्राम में कैसी स्थिति होती है, मारने मरने वाली, कि या तो मैं सामने वाले व्यक्ति को मार दूंगा, जहाँ पर इतना क्रोध होता है, वहाँ पर भी चित्रकेतु महाराज की बड़ी शांत बुद्धि, बड़े शांत मन से ही वो क्या कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और वह इंद्र को क्या कह रहे हैं, बोले तुम मुझे मारो और मैं भगवान का स्मरण करते करते ही अपना ही देह त्याग कर देना चाहता हूँ। चित्र ये वृत्रासुर का इतना विराट शरीर था, वो असुर है ना, इतना विराट शरीर उन्होंने धारण कर लिया है, वज्र से इंद्र ने उनका एक हाथ भी काट दिया, और हाथ कटने पर भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान की उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करी है, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं, बोले अहम हरे तव पादेक मूला दासानुदासा भ्रमितास्मि भूय, कह रहे अहम हरे तव पादेक मूला, हे भगवान मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ, मैं आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ, मैं आपके नौकर के नौकर का नौकर बनना चाहता हूँ। अभी यहाँ प्रश्न उठता है, वो नौकर क्यों बनना चाहते हैं, इतने छोटे क्यों बनना चाहते हैं। बोले जो छोटे व्यक्ति होते हैं ना वो ही सुखी रहते हैं। यहाँ देखो कितने बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, जो छोटे होते हैं उनके ऊपर कोई दायित्व होता है, उन पर कोई दायित्व नहीं होता, आराम से मस्ती से घूमते हैं खेलते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको सब दायित्व लेना पड़ता है, इसलिए मानो यह चित्र ये वृत्रासुर कह रहे हैं कि अहम हरेतव पाद एक मूल दासानुदास भवितास्मि भूय, कि हे भगवान मैं आपके दासों के दासों का दास होना चाहता हूँ। भगवान स्वयं कृष्ण ने क्या किया, भगवद गीता में कहते हैं कि ये मैं भक्त जना पार्था नामे भक्ताश्रिते जना, कि यदि कोई कहता है कि हे भगवान मैं आपका भक्त हूँ तो वो मेरा भक्त नहीं है, वो मेरा भक्त नहीं है। अगर कोई भगवान कृष्ण की डायरेक्टली भक्ति कर रहा है तो वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता। लेकिन मत भक्ता नाश्रिते भक्ता, अगर कोई मेरे भक्तों का भक्त है, अगर कोई मेरे दासों का दास है तो वो ही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान कृष्ण साक्षात ये कह रहे हैं, जैसे दासों के दासों का दास, इसलिए यहाँ पर वृत्रासुर क्या कहते हैं, बोले मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। श्रीमन महाप्रभु ने वो भी क्या कहते हैं, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। हमारे संप्रदाय में आप देखोगे जिस किसी ने भी प्रार्थना करिए क्या कहते हैं, हम आपके दासों के दासों का दास होना चाहते हैं, क्योंकि छोटे बनने में ही सबसे ज्यादा आनंद है। दूसरे श्लोक में स्तुति करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने भगवान की इतनी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं, मानो भगवान को कहने लगे कि आप स्तुति कर रहे हो तो मुझसे कुछ वर मांग लो, कुछ वर मांग लो। तब यहाँ वृत्रासुर कहते हैं कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवन वा, कह रहे ननाक पृष्ठम मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, न च पारमेष्टम उनके ऊपर के लोग ब्रह्मलोक ले लो। भगवान मान लो प्रलोभन दे रहे हैं यहाँ कि तुम इंद्रपद ले लो, बोले नहीं मुझे इंद्रपद नहीं चाहिए। तुम ब्रह्म पद ले लो, बोले नहीं। बोले उससे ऊपर मुक्ति ले लो, संसार में सब लोग दुखी हैं और क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं ताकि दुख ना भोग करना पड़े। बोले तुम मुक्ति ले लो, बोले ना ये ना योग सिद्धि, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए, बोले आपके भक्तों का विरह चाहिए। क्या चाहिए, विरह चाहिए, अर्थात आपके भक्तों से मैं जिस प्रकार सब समय उनका स्मरण करता रहूं उनका विरह मुझे चाहिए। अभी यहाँ प्रश्न उठता है, वो विरह जब मांग रहे हैं तो विरह की भी अनेक अनेक कोटि हैं, अनेक 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 स्तर है, तो किस प्रकार का विरह मांग रहे हैं। तब तीसरे श्लोक में स्तुति करते हुए कहते हैं कि अजात पक्षा इव मातरम भगा स्तन्यम यथावत् स्तराशुदार्था प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना, कह रहे हैं प्रियम, यहाँ पर तीनों कैटेगरी बताते हुए कह रहे हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा,
देखो बड़े सुंदर उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि जो पंछी होता है, पंछी ने अभी जैसे कि एक चिड़िया है, चिड़िया ने अपने अंडे के अंदर से एक नया बच्चा निकला है, ठीक है, और माँ जो चिड़िया इस बच्चे की माँ है वो अभी अन्न संग्रह करने गई है, दाना चुगने के लिए गई है। अभी ये बच्चा जब अंडे में से निकला है, इसको भूख लगी है, और भूख लगते लगते क्या कह रहा है, ये अपनी माँ को पुकार रहा है, ये अपनी माँ को देख रहा है। उस घोंसले के अंदर इसको बड़ा भयभीत भी है, बड़ी भयभीत स्थिति में है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो और कोई बड़ा पक्षी आके मुझे खा ले, या कहीं सांप घूम रहा हो, सांप मुझे ग्रास कर ले, तो अंदर से उसके बहुत भय भी है और अपनी माँ को पुकारता है, अपनी माँ को पुकारता है। जैसे ही माँ आती है, माँ आने पर बड़े आनंदित हो जाते हैं, पक्षी बड़ा आनंदित होकर क्या करता है, माँ जो अपनी चोंच के अंदर अन्न लेकर आई है, जो चावल संग्रह करके लाई है, जो धान लेकर आई है, उसको चुक चुक कर खाता है, और प्रेम में इतना, कभी कभी तो माँ की जीवा भी काट लेता है, इतना उनका वात्सल्य होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार इस बच्चे को विरह था, इस क्या इस प्रकार का विरह वित्रासुर मांग रहे हैं? बोले नहीं, इस प्रकार का विरह नहीं मांग रहे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बच्चा कब तक माँ की राह देखता है, जब तक पेट में भूख है, जब तक पेट में भूख है। जैसे ही उसका पेट भर जाता है, जैसे ही माँ उसको अन्न खिला देती है, उसके बाद में क्या होता है, चैन की नींद सो जाता है, निश्चिंत होके सो जाता है। तब यहाँ एक और उससे श्रेष्ठ उदाहरण देकर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बोले वत्सतरा शुदार्था, कि जो गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, आप देखोगे यहाँ के लोग तो मुझे लगता है पहले के लोग जैसे सब जो गाय चराते थे, देखा होगा आपने पहले क्या करते थे, गाय को बाहर छोड़ देते थे, सुबह सांझ दूध वगैरह निकाल के गाय को बाहर छोड़ दिया, पूरे दिन भर गाय अपना घास चरती थी, चर के जब शाम में घर की ओर आती थी, तब बछड़ा तब घर में ही रहता था, बछड़े को जब घर में बांध के रखते थे, और जैसे ही गाय शाम की समय पर घर में आ रही है, कैसे वो अपनी आवाज़ सुंदर सुंदर आवाज़ निकाल के अपने बछड़े को पुकारती है, और बछड़ा अपनी माँ की आवाज़ सुन के इतना आतुर हो जाता है, पूरा पूंछ उठा के और छलांग लगा लगा के माँ से मिलने की चेष्टा करता है। जो रस्सी में बंधा हुआ होता है ना, इतना बल उसके अंदर आ जाता है कि रस्सी भी नहीं खोल पाते, है कि नहीं, होता है ना, अपने बछड़े का माँ के प्रति इतना प्रेम होता है, इतना वात्सल्य होता है, छलांग लगा लगा के, और जैसी रस्सी छूटता है, भागते भागते क्या करता है, अपने सींग से, अपने सिर से माँ के स्तन को मारता है, माँ के स्तन को मारते मारते, और माँ क्या करती है, उसको चाटती है, गाय अपने बछड़े को चाटती है, चाटते चाटते उसका हृदय जब पूरा वात्सल्य से द्रवीभूत हो जाता है, उस समय पर क्या होता है, गाय के स्तन से दूध निकलता है, गाय के स्तन से दूध निकलता है। तो यहाँ पर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक बछड़े का अपनी माँ से, एक गाय से विरह होता है, उस प्रकार का विरह क्या चाहते हो, उस प्रकार की विरह चाहते हो? बोले हाँ, ये उससे तो अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि बछड़े का भी वैसा ही है, जिस प्रकार दूध पिया, दूध पीने के बाद में पेट की अग्नि शांत हो गई, बस अपना इधर उधर खेलने में लग जाता है, लेकिन ये उससे श्रेष्ठ बता रहे हैं, ये चिड़िया से श्रेष्ठ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिड़िया जो अन्न लेकर आती है, वो बाहर से लेकर आती है और अपने बछड़े को खिलाती है, किंतु गाय का जब वात्सल्य से हृदय द्रवीभूत हो जाता है, तब अपने शरीर से ही उसका दूध निकलता है। जो दूध निकलता है वात्सल्य से, जब हृदय द्रवीभूत हो जाता है, तभी तो स्तन से दूध निकलता है, तो ये बता रहे हैं कि उससे श्रेष्ठ है। तीसरा यहाँ पर उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि प्रियम प्रिय व विषुतम विषन्ना, कि जिस प्रकार एक पति पत्नी, उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जैसे कोई नवविवाहिता स्त्री हो, वो स्त्री का पति किसी कार्य की वजह से बाहर जा रहा है, अभी कुछ काम के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। अभी पत्नी बोलती है, बोली हमारी नई नई शादी हुई है और मैं तो सब चीज़ किस लिए करती हूँ, तुम्हारे उद्देश्य से, घर में और कोई तो है नहीं, मैं सजती हूँ किस लिए, बोले तुम्हारे लिए, सुंदर सुंदर खाना बनाती हूँ किस लिए, तुम्हारे लिए, सुंदर बिस्तरा लगाती हूँ किस लिए, तुम्हारे लिए, अभी तुम चले जाओगे तो फिर होगा। यहाँ पर पति बोलता है, तुम एक काम करो, मैं 10 दिन के बाद में आ जाऊँगा, मैं 10 दिन के बाद में आ जाऊँगा, तुम मेरी अपेक्षा करना, तुम मेरा इंतज़ार करना। उस समय पर पत्नी क्या करती है, जैसे ही पति चला गया है, अब और श्रृंगार नहीं करती, अब सुंदर सजती नहीं, सुंदर सुंदर खाना नहीं बनाती, किसी प्रकार अपना बस पेट पालन कर लेती है। लेकिन जब पता चला कि पति कल आने वाला है, 10 दिन के लिए गया था, 9 दिन बीत गए ऐसे ही, जैसे ही 10वां दिन आने वाला है, क्या करेगी, बड़ी उत्साहित हो जाती है, हृदय में बड़ा उत्साह हो जाता है, बोले कल पतिदेव आने वाले हैं, कल पतिदेव आने वाले हैं, उनको जो पसंद है उस प्रकार का सुंदर सुंदर खाना बनाती है, पूरी रात तैयारी करती है, और जब आने का समय हो रहा है ना, दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाएगी, टकटकी लगा के देखती रहेगी, बोले अब आएंगे, अब आएंगे। जैसे ही आएंगे, बड़ा हृदय आनंदित हो जाता है,
हाँ मन में बड़ी खुशी होती है, बोले मेरे स्वामी आ गए हैं घर पे, उनकी बड़ी सेवा करती है, हाँ उनको बड़ा सुंदर सुंदर परोस के उनको खाना खिलाती है। बता रहे हैं यहाँ पर, क्या इस प्रकार का विरह चाहते हो? बोले हाँ ये भी है, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, पति के साथ में संबंध क्यों है? क्योंकि शादी हुई है, शादी हुई है तो पति का दायित्व है पत्नी का पालन करना, उसको सब दायित्व लिया है तो इसलिए बता रहे हैं। लेकिन प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध होता है, जो प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है, उसके अंदर कोई दायित्व नहीं होता, उसके अंदर कोई दायित्व नहीं होता। तो इससे भी श्रेष्ठ बताया है कि पति पत्नी का संबंध तो है, लेकिन जो प्रिय प्रिय प्रियम प्रिय व विषितम विषन्ना, कि ये जो प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, इसके अंदर जो विरह होता है, क्योंकि एक जब मिलते हैं मिलन के अंदर तो क्या है, कुछ समय तक मिल लिए उसके बाद में ठीक है, लेकिन विरह के अंदर जब दूर कहीं चला गया हो स्वामी, जब प्रियतम कहीं दूर देश में हो, तो सब समय उसका स्मरण होता है, हाय हम इस समय पर ये करते थे, हमें इस समय पर होते तो वो ऐसा करते। जैसे इस प्रकार स्मरण होता है, ऐसा ही मुझे भगवान का स्मरण हो, वित्तासुर इस प्रकार का भगवान से विरह मांग रहे हैं। उसके बाद में चतुर्थ श्लोक के अंदर प्रार्थना करते हैं, चतुर्थ श्लोक मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमितास्मि भूय, कि हे भगवान मुझे अपने कर्म दोष के कारण जहाँ भी भ्रमण क्यों ना करना पड़े, मैं किसी भी योनि में क्यों ना चलाऊं, जब कीट जन्म हो यथा तुआ दास बहिर्मुखे ब्रह्म जन्मे ना ही आश। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि हे भगवान मुझे अपने कर्म के अनुसार जिस भी योनि में जन्म मिले मैं उस योनि में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एकमात्र क्या चाहिए कि तव भक्ति रहे भक्ति विनोद हृदय, कि कभी भी मुझे आपके भक्तों का भक्तों से मैं बिछड़ू नहीं, सब समय मेरे हृदय में आपकी भक्ति जिस प्रकार विद्यमान रहे, आपके भक्तों का संग मिलता रहे। इसलिए हम लोग को अगर किसी भगवान से मांगना है तो क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ अगर किसी भक्त से मांगनी हो, भगवान से मांगनी हो, तो वो है उनके भक्तों का संग, क्योंकि अगर संतों का संग होगा भक्तों का संग होगा तो उसी में सब चीज़ प्राप्त हो जाएगी, सब चीज़ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो संसारिक चीज़ें हमें कभी सुख नहीं दे पाएगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वंशा गणपतिवर की कृपा से मुझे कलशम वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। अरे बामन देव को तैयार कर दिया कि नहीं, बामन देव तैयार है, हो गए हो गए, हाँ तैयार है बामन देव। हरे कृष्णा, अभी बामन देव अभी उसके बाद में कृष्णा आएंगे, अभी दो दो भगवान जन्म लेने वाले। अरे देखो कल है ना, आज तक कृष्णा जन्म लेंगे, कल फिर राधा रानी जन्म होगी, और जब राधा रानी जन्म होती है, आप लोग आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? अरे बोलो पीले रंग के, अरे कल जो साड़ी पहन कर आओगे ना गुलाबी रंग के, आज तो कुछ कुछ माताएं गुलाबी रंग में दिख रहे हैं, राधा रानी का जो चुंदरी का रंग है ना वो गुलाब रंग है, वो गुलाबी रंग क्यों धारण करते हैं, देखो हमारी ये रंग गुलाबी रंग है, कहते ये जो रंग है वो अनुराग है, प्रेम का रंग है, इसको कहते ये प्रेम का रंग है, गुलाब रंग ये प्रेम का रंग है, और राधा रानी कौन है, ये साक्षात प्रेम की जो मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। कल श्री राधा रानी में जन्म होगी, और कल हम भगवान राम की कथा सुनेंगे, भगवान राम की कथा कल सुनेंगे, इसलिए कल आप लोग लेकिन थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ी जल्दी जल्दी आने के लिए, थोड़ी जल्दी जल्दी, जब हम यहाँ आ जाते हैं ना देखता है मैदान खाली, और हमारे कुछ भक्त लोग जैसे यहाँ बैठे हुए थोड़ा से आए, इतना दूर से देखता हूँ वो आकर के यहाँ बैठे हुए, और जो आसपास में जो माताएँ अभी देखो तो कुछ माताएँ अभी आ रही हैं, इसलिए इसलिए जब सिनेमा में सिनेमा देखने जाते हो कब जाते हो, शो शुरू होने से पहले ना बीच में ना लास्ट में जाते हो, अरे बोलो पहले जाते हैं, इसलिए जब भगवान की कथा में आओ पहले आओ, ठीक है ना। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुलसी बामन भगवान की जय। अभी भगवान बामन देव आने वाले, बामन देव को तैयार करो, देख लो ओहे तैयार है तैयार है, ठीक ठीक तैयार, रुको रुको बैठो बैठो बैठो, उसको गले में एक फूल की माला पहनाओ, उसको गले में एक फूल की माला पहनाओ, सुंदर सुंदर माला, यहाँ से ठाकुर जी को माला उतार के पहना दो, ऊपर से एक माला उतार के पहना दो, बढ़िया माला। हरे कृष्णा, देखो इधर मेरे तरफ में देखो, कथा सुनो, बोले ये देवता दैत्य में अक्सर करके लड़ाई होते थे, लेकिन ये देवता जो मरे ना वो मर जाते थे, लेकिन दैत्य जो मरे इनका गुरु जी का नाम था शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य एक मंत्र जानते थे जिसका नाम कहते संजीवनी मंत्र, मतलब मरे हुए व्यक्ति को भी वो जिंदा करते थे। एक समय देवताओं ने ठाकुर को पास में गए, तो ठाकुर जी हम कैसे
अमर बनेंगे। बोले एक काम करो, देवता दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। अगर अमृत पान करोगे ना अमर बन सकते हो। अभी समुद्र मंथन हुई, सर्वप्रथम निकला बीज। बोले भैया बीज को कौन पिएगा? फिर शंकर जी के पास में गए, शंकर जी को प्रार्थना किया ना, शंकर जी टन के टन उनने बीज पान करके और अपना कंठे में धारण कर लिया। इसलिए शंकर जी का एक नया नाम पड़ गया। कौन सा नाम है? नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। देखो शंकर जी हमें माता है, ध्यान देकर सुना, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बताई। शंकर जी ये बीज को गले में क्यों धारण किया, मुंह में क्यों नहीं, कंठे में क्यों नहीं? कारण बताते हैं, अगर अंदर में चले जाएंगे ना, उनके हृदय में ठाकुर जी का निवास है, मतलब भगवान को कष्ट नहीं हो। अगर कोई गंदी चीज़ अपना हृदय में नहीं रखनी चाहिए और गंदी चीज़ मुंह में नहीं रखनी चाहिए। बोले क्यों? बोले गंदी चीज़ अगर मुंह में रहेगा ना, फिर ये झगड़ा का कारण हो जाएगा। हैं, कहते ये महाभारत क्यों हुआ? केवल जीवा की कारण से। देखना सब चीज़ में हड्डी है, जैसे अंगुली में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी बैठी हुई है। आप बताओ तो किस चीज में हड्डी नहीं? जोर से बोलो। बाबा सब पंडित लगते हैं। हाँ, ये जीव में हड्डी नहीं। देखना ये जीव कभी चुप नहीं बैठता, लपर लपर कुछ कुछ बोलेगा। हैं, कहते बताओ ये महाभारत क्यों हुआ है? ये द्रौपदी केवल इतनी सी बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, केवल इतनी बात से महाभारत हो गई। तुम लोग भी देख लेना, संसार में लड़ाई क्यों होता है? बहू बहू भाई भाई में क्यों लड़ाई होता है? बस थोड़ी सी जीवा तुम्हारी स्लीप हो गई, थोड़ी सी जीवा इधर उधर हो गई, कुछ नहीं हुआ। बस घर घर में, बहू बहू में, भाई भाई में, भाई भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पानी है क्या? पानी है। इसलिए भाई भाई में, घर घर में ये लड़ाई का कारण बन जाते हैं। इसलिए माताओं को यहाँ शिक्षा देते हैं, क्या करना माताओं को घर में? राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए गंदी चीज को मुंह में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हमारे घर में भी, विशेष करके माताओं को सावधान कर रहे हैं। घर में जो लड़ाई होता है ना, ये माताओं से फिर भाइयों से फिर लड़ाई वहाँ तक जाती है। इसलिए जीवा को कंट्रोल लगना, अगर ज़्यादा बोलने की इच्छा है ना, हमारे भगवान महाप्रभु कहते हैं अगर ज़्यादा बोलने की इच्छा तो माला लेकर बैठ जाना, और माला में भगवान का नाम जप करो, जिसको जरा मन को शांति मिलेगी और घर में भी शांति रहेगी। इसलिए ज़्यादा इधर उधर बात को नहीं बोलनी चाहिए। फिर समुद्र मंथन हुई, बहुत कुछ रत्न निकला और वहाँ से फिर निकला माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ प्रकट हुई। अब बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? लक्ष्मी का सबको चाहिए लक्ष्मी। अभी सारा दुनिया लड़पड़ लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं हुआ, सब लाइन करके खड़े हो जाओ, मैं अपना मन मर्जी पति को सुनूंगा। लेकिन उन्होंने सबको पास में तो गई, लेकिन सबको अंदर में कुछ ना कुछ दोष दिखी। लेकिन जब ठाकुर जी को पास में, नारायण को पास में गए ना, देखा अगर कोई सर्वगुण संपन्न सबसे सुंदर अगर कोई है ना, ये भगवान नारायण। तो उन्होंने गले के गले में, नारायण का गले में माला डाल दिए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अभी
फिर समुद्र मंथन हुई तो वहां से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उठा, फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई फिर शुरू हो गई। बोले अहम कुर्बम, हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। अभी दैत्य लोगों ने छीन लिया। ठाकुर जी ने देखा अगर दैत्य लोग अमृत पान करेंगे तो अमर बन जाएंगे, फिर दुनिया के लिए हानिकारक। इसने में ठाकुर जी मोहिनी अवतार लिए। बोले मोहिनी भगवान की जय। बोले तुम लोग दोनों लाइन करके बैठ जाओ और तुम दोनों को हम बांट दूंगी। बोले पहले देवता को तो पानी पानी पिला देती हूँ और अंदर में जो गाड़ी गाड़ी रह जाएगी ना, फिर हम दोनों मस्ती से पियेंगे। लेकिन मोहिनी इतने सुंदर थी, दैत्य लोग तो मोहिनी को देखकर पागल हो गए। बोले मोहिनी भले ही हमें अमृत नहीं मिले, अगर तू मिल जाए ना हमें सब कुछ मिल गया है। इतने में जब देवता हमको पिला रही थी, इतने में स्वर भानु नाम एक दैत्य, उसने देखा भैया कुछ गड़बड़ी लग रहा है, हो ना हो इनको ही नहीं पिलाते। ये चंद्र सूर्य को बीच में बैठ करके पी लिया। चंद्र सूर्य इशारा किया, प्रभु जी ये दैत्य पी लिया। ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को बुलाए और उन्होंने गला को काट दिया। जब काट दिया, देखो ध्यान देकर सुनो माताएं, जब उनने गले को काट दिया ना, जहाँ पर उसको मांस गिर पड़ा वहाँ से ये प्याज की पौधा हुई। आप देखना मांस जैसे लाल लाल रंग के, प्याज भी देखना लाल लाल रंग की। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, देखना प्याज में भी वैसे बदबू आती है। आप कच्चा प्याज खाओ, सामने किससे बात कर सकते हो? इसलिए 9 दिन तक, जैसे नवरात्रि आती है ना, 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन खाते हो घर में? कोई प्याज लहसुन को घुसाते? बोले क्यों नहीं, ये माँ को पसंद नहीं। क्यों नहीं माँ को पसंद? कभी राक्षस का मांस से ये प्याज बना हुआ, और जहाँ पर उनको हाटी गिर पड़ा ना, वहीं पर लहसुन की पौधा बना। इसलिए किसी ठाकुर को भोग लगता है प्याज लहसुन? क्यों नहीं भोग लगता है? ये 9 दिन तक क्यों प्याज लहसुन नहीं खाते? कारण है वो राक्षस का मांस से बना हुआ। इसलिए प्याज लहसुन खाना मतलब होता है कि राक्षस का मांस को खाना हम, और लहसुन खाना तो राक्षस का हड्डी को खाना है। इसलिए ये 9 दिन तक नवरात्रि में इसको कोई ग्रहण में घर नहीं घुसाते हैं, और ठाकुर जी को ये भोग भी नहीं लगती है। हम लोग कोशिश करना ये चीज़ को छोड़ करके शुद्ध रूप में बना करके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। इतने में देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, अमर हो गए थे। फिर सारे दैत्यों को जैसे केले का पेड़ काटते हैं ना, फिर काटने लग गई। ब्रह्मा जी ने आकर के उनको मना की, फिर उनका गुरु जी फिर चेलों को जिंदा कर दिया। फिर बलि महाराज ने एक यज्ञ किया जिसका नाम विश्वजीत महायज्ञ। वो यज्ञ से एक रथ निकला, अगर वो रथ में बैठ करके युद्ध करो ना, उसको कोई जगत में परास्त नहीं कर सकते हैं। प्रह्लाद महाराज ने नरसिंह देव का प्रसाद जी माला लाकर गले में पहना दिया। फिर तो उन्होंने आक्रमण किया देवताओं के ऊपर में, और जब शंख बजाए देवता लोग ने गुरु जी को पास में गए। बोले गुरु जी फिर कहाँ से शक्ति मिली गई इनको, फिर शक्ति कहाँ से मिली? बोले देखो अगर बचना चाहते हो रण छोड़ कर भाग जाओ, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण की सेवा की और नरसिंह भगवान की प्रसाद माला पहने यज्ञ से रथ से बैठ करके आए। देवता लोगों ने स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और ये मरते जगत में दर दर भटक रहे हैं। इनकी माता दीति ने कश्यप जी से बोले मेरे बेटे को स्वर्ग मिलेगा कैसे? बोले एक काम करके पय व्रत तो बोलो 10 दिन का करो, भगवान वामन देव प्रकट होकर के तुम्हें ये स्वर्ग राज्य प्रकट कर देंगे। फिर इतने में भगवान श्री वामन देव प्रकट होते हैं। बोले श्री वामन भगवान की जय। जब श्री वामन देव प्रकट हुए, इतने में उनकी जनेऊ संस्कार हुई। बोले गुरुदेव क्या भिक्षा दूं? बोले भिक्षा जाओ, नर्मदा नदी किनारा में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ में सब कुछ दान जो मांगे वही दान देते हैं, स्वर्ग राज्य को मांग कर लाओ। जब बलि महाराज का दरबार पर पहुंचे, बलि महाराज तो खुश हो गए, आज मेरे जीवन धन्य हो गया, कितने सुंदर ब्राह्मण हमने कभी देखा ही नहीं। तब उनको चरण को उनको अभिषेक करके चरणामृत लिया। बोले वर मांगो। बोले पहले संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहे थे, गुरु जी को पता चला शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य भागते भागते आए। बोले बलि सावधान। बोले जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, और तुमको अमृत से वंचित करके आया, वही मोहिनी ये मोहन बन करके आया।
देख ये तीन पद जमीनी नहीं, ये त्रिभुवन राज्य ले जाएगा, खबरदार देना नहीं। बोले वाह, आप स्वयं बता रहे हैं ये ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी आज स्वयं भिखारी बन करके हमसे मांगने के लिए आए, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? आज तो मैं जरूर ठाकुर जी को दूंगा। बोले मैं गुरु जी का आदेश है, आप गुरु जी का आदेश पालना नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले जाते श्री भ्रष्ट हो जा, लेकिन देखो ध्यान दे के सुना, नियम है गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, पाप लगता है। लेकिन अगर गुरु जी ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं, ठाकुर को सेवा में गुरु जी आ देते हैं, आप देखना जगत में ऐसे कुछ संप्रदाय हुए हैं जिसमें ठाकुर का कोई पूजा नहीं, ठाकुर को कहते निराकार है, ठाकुर जी को निराकार कहते हैं, ठाकुर को घर में कोई ठाकुर पूजा करता ना, कुछ ऐसी संप्रदाय निकला, बोले ठाकुर को घर से निकाल, ठाकुर कुछ नहीं होते हैं, ठाकुर कोई कुछ नहीं कहते। ऐसे गुरु को त्याग देने से कोई अमंगल तुम्हारी नहीं, नियम है गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर गुरु जी अधर्म मार्ग में है, गुरु जी ठाकुर को भक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, हैं अपना घर में किसकी मूर्ति रखती है, ठाकुर का मूर्ति रखती है, ठाकुर का तस्वीर, कोई भगवान कुछ नहीं। ये चीज़ को अच्छा तरह से समझो। आप लोगों ने नारद जी का नाम सुने हो? कौन कौन नारद जी का नाम जानते हो? सब जानते हो। ध्रुव जी का नाम कल सुन रहे थे ना, ध्रुव जी, जब नारद जी ध्रुव जी को साथ में मिले, उन्होंने किसका मंत्र उन्होंने दिया था? ओम नमः भगवते वासुदेव, कृष्ण का मंत्र दिया कि नहीं? आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने हो? कौन कौन वाल्मीकि का नाम जानते हो? जानते हो। जब नारद जी वाल्मीकि से मिले, उन्होंने किसका नाम दिया था? उन्होंने राम का नाम दिया था। राम का नाम दिया था कि नहीं? प्रह्लाद का नाम जानते हो? कथा आती है प्रह्लाद का, तो उन्होंने किसकी भक्ति की? नरसिंह भगवान की भक्ति की। गोपियों ने किसकी भक्ति की? बोलो, गोपियों ने किसकी भक्ति की? कृष्ण की भक्ति की है, भगवान की भक्ति की ना। लेकिन भक्ति करनी चाहिए राम कृष्ण की, नारायण की। गुरु जी कौन होते हैं? एक बिचवाला होता है ना, तो क्या बोलते हैं? बिचौलिया होता है, जो दोनों लड़का लड़की को बीच में होता है, बिचौलिया होता है ना। बिचौलिया का काम क्या है? लड़की को साथ में लड़का का संबंधों को बनाना, यही तो वाला बिचौलिया ना। गुरु जी ये बिचौलिया है, ये क्या करते हैं? जीव को परमात्मा के साथ में, जीव को ठाकुर जी को साथ में जोड़ने वाले गुरु जी होते हैं। गुरु जी ऐसे नहीं खुद बिचौलिया आकर के बोलते नहीं ठाकुर जी को अलग कर, लड़का को अलग कर दो, मेरे को लड़की से शादी करा दो, कभी ऐसे होता है? अगर गुरु जी कहते नहीं बेटे को अलग करके नहीं, मैं ही बीच में शादी कर दूँ, नहीं। बिचौलिया का काम ये है, जीव को कृष्ण की राम की भक्ति में लगाए, ना तो बीच में खुद आकर के गुरु जी बैठ गए, भगवान कुछ नहीं गुरु जी की, नहीं। गुरु जी का गुरु मतलब क्या है? बोले बुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक, जीव के हृदय में जो अज्ञान को दूर करके जो ठाकुर जी की चरण में जोड़ दे, ये गुरु जी का काम है। खुद नहीं बोलते भगवान भक्ति छोड़ छाड़ करके। मीरा का नाम सुनी हो? कौन मीरा का नाम सुनी हो? वो किसकी भक्ति करती थी? बोलो, कृष्ण की भक्ति करती थी। सूरदास का नाम सुने हो? जिनका भजन है मैया मोरी मैं नहीं, वो किसकी भजन करते थे? कृष्ण की भक्ति करते थे। हनुमान का नाम कौन जानते हो? हाथ उठाओ। वो किसकी भक्ति करते थे? राम। सबरी का नाम सुने हो भागवत में? वो किसकी भक्ति करती थी? तुलसीदास का नाम सुने हो? किसकी भक्ति करते थे? बताओ, गुरु का भक्ति कौन करते थे? ये कुछ असत संप्रदाय आकर के हमारे सनातन हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं, और स्वयं भगवान की भक्ति को दूर करके घर में अगर ठाकुर ना, ठाकुर को निकाल देते, बोले ठाकुर भागुर कुछ नहीं, भगवान निराकार, ठाकुर को निकाल दे, नहीं। ऐसे संप्रदाय से कभी भी नहीं जुड़ना। अगर चाहते हो अपना कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए, तुम लोग यादव है ना, कौन से वंश में आए हो? यादव है ना। ये यादव कौन है? ये कृष्ण की परिवार है, कृष्ण यादव है, यादव कृष्ण है, इसलिए उनके परिवार में आए। इसलिए हमारी इष्ट कौन है? भगवान कृष्ण हमारी इष्ट है, भगवान राम हमारी इष्ट है। इसलिए गुरु होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन गुरु हमें क्या कहता है? भगवान से जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर बलि, जब गुरु जी ने आकर के
साक्षात जहाँ ठाकुर जी आए और स्वयं भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन गुरु जी ने क्या बताया, बोले ठाकुर को देना जरूरत नहीं, मैं गुरु है ना, मैं गुरु है, मेरे को सब कुछ देना। बोले ऐसे गुरु की जरूरत नहीं, त्याग दे दिया उन्होंने गुरु को। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर को उन्होंने वरदान, उन्हें ठाकुर जी को उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दान दिया ठाकुर जी को। इसलिए गुरु त्याग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर गुरु जी भगवान की भक्ति को उपदेश नहीं दे करके अपना पूजा करने चाहते हो, गुरु जी को त्याग देकर क्या करनी चाहिए, हमें जीवन में सद्गुरु आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, जो हमें ठाकुर जी को साथ में हमें संबंध जोड़ दे, ऐसे गुरु हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गुरु को त्याग दे दिया। इतने में ठाकुर जी एक पग में उन्होंने फिर क्या किया, जब फिर दान देने के लिए जा रहे थे, गंगा सागर होता है ना जिसमें एक कमंडलू, फिर उसने जब संकल्प करने जा रहे थे ठाकुर को देंगे, फिर गुरु जी फिर बीच में आ गए, बीच में आकर किया, जो नार होता है ना जिसमें पानी आता है, फिर बीच में बैठ गए, फिर पानी नहीं निकल रहा, फिर पानी क्यों नहीं निकल रहा है, एक कुछ से छेद किया तो एक आग ही चलेगा। शुक्राचार्य की एक आग ही चली गई। यहाँ सिखा देते हैं, जो गुरु भगवान की भक्ति में मदद नहीं करते, भगवान की भजन की शिक्षा नहीं देते, उसको ताना होना पड़ता है। इसलिए गुरु जी को ताना बनना पड़ता है, इसलिए भागे वहां से। फिर उन्होंने संकल्प किया, ठाकुर को दान दिया और एक पग में तो ठाकुर जी भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक तक चला गया और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों को अभिषेक करके उसको कमंडल में पानी रखा, तो वही श्री पतित पावन श्री गंगा जमुना। बोले श्री गंगा मैया की। दूसरे पग में अतल बीतल तला तला पाताल तक, बोले बताओ तीसरे पग में आए। तो पहले बोल रहा था इतने दान दूंगा कहीं जाने का जरूरत नहीं, फिर उन्होंने गरुड़ जी को बुला करके नाग पास बंधन में बंधन कर दी। इतने में उनका जो पत्नी थी ना, बड़ी भक्ति करने वाली, बड़ी भक्त थी उनकी पत्नी। इतने में पत्नी ने बोली, ठाकुर को तुमने किया क्या, कुछ दिया ही नहीं, दुनिया ठाकुर जी का, ठाकुर अपना राज्य ठाकुर ले लिया, आपने क्या दिया, जब तक खुद वो खुद नहीं देते हो बोले तुम्हारे सर पर रखेंगे। बली महाराज इतने खुश हो गए, बोले पत्नी ऐसे होनी चाहिए। देखो ध्यान देकर सुना, पत्नी दो तरह के होती है, एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले धन पत्नी किसको कहते हैं, बोले पति को पास में जब तक धन रहेगा तब तक रहेगी, अगर धन खत्म हो गया तो भाग जाएगी, इसको कहते हैं धन पत्नी। बोले धर्म पत्नी किसको कहते हैं, धर्म पत्नी उससे कहते हैं पति की कंधे पर कंधे मिला कर के चलनी चाहिए, जब पति को पास में पैसा हो तभी रहनी चाहिए, अगर नहीं हो तो क्या करनी चाहिए, पति को त्याग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है। इसलिए पति को साथ में कंधे मिला करके सुख दुख दोनों स्थिति में उनको साथ में रह करके दोनों भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखा सचमुच से तू पत्नी हो, पत्नी कौन है जो भगवान की भक्ति में हमें मदद करे, भक्ति राज्य में हमें जो चलाए, वही असली पत्नी है। बोले प्रभु ये बताओ, दान बढ़ना दानी बढ़ा, बोले दानी बढ़ा, बोले अब तो दानी नहीं रहा, दानी तो बाकी है, बोले प्यार कहाँ रखे, बोले मेरे सर पर रखो। अरे भगवान ने अपना चरण को बलि महाराज का सर पर रखे। बोले श्री बलि महाराज की जय, वामन देव की जय। देखो बोले वर मांगो, बोले ठाकुर जी हमें ये वर दो, उनको सुतल लोक में स्थान दिया। बोले जब मैं घर से निकलूंगा ना आपका दर्शन करके निकलूंगा, जब मैं घर में आऊंगा आपका दर्शन हो, भगवान तथास्तु बोल दिए। देखो अगर गुरु जी की बात सुनते तो भगवान मिलते, ये चीज को समझो। अगर गुरु जी बोल रहे थे नहीं भगवान को दान मत दिया करो, फिर ठाकुर मिलते, लेकिन उन्होंने भगवान इतने प्रेम में वसीभूत हो गए, ठाकुर उनके दरबार पर बैठ गए, हर समय ठाकुर को दर्शन करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर गुरु जी भगवान की भक्ति की विरोध शिक्षा देते हैं, भगवान की भजन की विरोध शिक्षा देते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा का विरोध शिक्षा देते हैं, ऐसे गुरु को त्याग देनी चाहिए। देखो तुम लोग यादव हो, हम लोग हिंदू धर्म है, देखना हर हिंदू घर में पहले से लड्डू गोपाल होता था ना, यहाँ पर बहुत सारी माताएं गोपाल को लेकर के आए, घर में सीताराम की पूजा होता है भगवान की। अगर गुरु जी आकर बोले ठाकुर को निकालो घर से ठाकुर को निकाल, ठाकुर वाकुर कुछ नहीं होता है, ये सही ना, हमारी परंपरा में हमारे मैया की मैया, पिताजी की पिताजी, जो चीज़ को अवलंबन करते हुए आई वो ठीक है। अब बता, जो तुम्हारी मैया ने, मैया की मैया ने जो काम किया वो सही,
ना तुम्हारी पिताजी की पिताजी जो करते हुए है सही, ना कोई एक नया घर में आकर के बोला ठाकुर जी घर से निकाल, ठाकुर भागुर कुछ नहीं हुए, ठाकुर तो निराकार है। अरे ठाकुर निराकार तू कहाँ से आ गया, तू आया कहाँ से? कृष्ण गीता में खुद कहते हैं पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह, ये गीता का श्लोक है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड का पिता माता मैं हूँ, इसलिए कहते ना तुम्हें वह माता च तुम्हें वह बंधुश्च तुम्हें वह विद्या तुम्हें वह सर्वम, कौन है? ये ठाकुर हमारे, ये भगवान हमारे पिता है, भगवान राम कृष्ण हमारे पिता है, हम इनकी औलाद हैं। इसलिए भगवान निराकार नहीं, जैसे तुम लोग हो, या तुम्हारे पिता निराकार ना क्या है? अगर तुम्हारे पिता माता नहीं होगा तो तुम कहाँ से टपकते बताओ? उसको पिता माता तभी आए ना, उसको भी पिता माता होगा, अगर वो निराकार है तो कहाँ से आ गया फिर निराकार? इसलिए भगवान निराकार नहीं, ये कहते पाखंडी लोग कहते भगवान का निराकार, लेकिन बिना कहते निराकार। हनुमान का राम निराकार है, नाम तुलसीदास का राम निराकार है, निराकार हो तो इसको पूजा कर रहे हो, राम कहाँ से आए फिर? इसलिए भगवान हमारे निराकार नहीं, भगवान हमारे साकार है, भगवान सुंदर है, बड़े सुंदर बंसरी बजाते हैं, भगवान राम धनुष धारण किए हैं। भगवान राम अगर निराकार होते राम बढ़ता कैसे बताओ? इसलिए भगवान निराकार नहीं, ये पाखंडियों का धर्म है, ये हमारी गीता भागवत का धर्म, रामायण किया धर्म नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बामन देव बोले तो हाँ, अभी भगवान बामन देव आ रहे हैं। देखो ये बामन देव ना आज आपको पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, ये पालन आ रहे हैं, सारा जीवन जो हमें देते हैं, आज ठाकुर स्वयं भिखारी बन करके आपको पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, जैसे सुदामा ने दो मुठ्ठी चिड़िवा दिया ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए ठाकुर जी प्रभु जी उनको ले आओ। ठाकुर जी अभी आएंगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी की भिक्षा देना, ठीक है? तेरे द्वारे पड़ा भगवान तेरे द्वारे
सभी लोग एक बार हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आज लोग बहुत सारे जो कल बोला था ना, जैसे 100 लोग दो दो लोग बुला के लाना, और सभी लोग लेके आए, बहुत अच्छा। और कुछ माताएं अपने बच्चों को भी लेके आई हैं, ठाकुर के सामने प्रणाम कर रही थी जैसे मैंने कहा था, तो बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के लोग, बहुत सुंदर है। हम लोग अब गाँव मतलब वासी के लिए खूब जोर से ताली बजाओ, ताली बजाओ। सोरखा गांव के भक्तवृंद की। और अभी यार 3 दिन है, और थोड़ी परिश्रम करना है। तो पीछे भोले बाबा कह रहे हैं मेरे पास आगे पीछे कोई बैठा नहीं है, वहाँ जो भोले बाबा का मंदिर है ना, बहुत जगह खाली है। कल और लोग लेके आना है, सब दो दो चार चार लोग को लेके आना, क्योंकि भागवत की गंगा है। कितने दिन बहने की, हम 3 दिन और है। जैसे आज अभी नंदोत्सव होगा, कल राधा जी का जन्म होगा, तो आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है, मैं जैसे कल बता रहा था, यहाँ के गांव के लोग बहुत ही अच्छी धार्मिक लोग हैं, बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं दान पुण्य में। तो आज के जो प्रसाद की जो व्यवस्था है, वो अनिल यादव और उनकी पत्नी ममता यादव है, इनके लिए आप जोरदार ताली बजाओ। ये अनिल बहुत सारे इस गांव में, जो हरिश्चंद्र है ना, उनके पुत्र है अनिल यादव जी। हाँ, ये हाथ उठाना, अनिल यादव जी कौन है? अनिल अनिल जी अनिल जी कहाँ है? अनिल जी ममता ममता कहाँ पर है आपकी पत्नी ममता? कहाँ? इधर इधर ले आ। ममता कहाँ है? अभी महाराज जी से अभी आशीर्वाद ले लो, फिर नंदोत्सव होगा ना, तो उस समय बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, नाचेंगे, उस समय होगा नहीं। अभी दो माला लेना है, क्या नाम है, हर दो माला लिया छोटी वाली। और आप लोग भी, अभी 3 दिन का अवसर है, इधर आ जाओ। 3 दिन में जितना लाभ उठा सकते हो लाभ उठाना, सब लोग बढ़ चढ़ करके सेवा लेना। वो माला उनको पहना देना, ठाकुर जी नंदोत्सव मेरे पास में जो माला है, इधर छोटी वाली माला पीछे। अनिल इधर आ, फिर माता जी को बोलो। अनिल अनिल भाई इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ, आप इधर आ जाओ। उनको क्या बोलना, हार से वृंदावन की जय। ठाकुर जी की भागवत में जो एक अन्न का दाना दे देते ना, ठाकुर कहते कभी किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ी। अपने सब लोग ताली बजाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। ये फोटो विदेश तक जा रहा है। हाँ, इसकी जो फोटो है ना, ये हॉलैंड लंदन अमेरिका सब जगह से मेरे पास में फोन आता है, ये सारा दुनिया में, ये लाइव सारा दुनिया में जा रहे हैं। यहाँ के ये गांव के लोग कितने अच्छे लोग हैं, हैं? कितने भक्त लोग आए, कथा सुन रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भगवान कन्हे आने वाले, वो जो बड़े माला है ना, नंदे नंदा को बहने, आप उसको माला को गले में रखो, तुम रखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुर्गयो राज्यां शुभ वंशनाम चरितं परमाद्भुतम। बोले हमारी ये भागवत ग्रंथ में विशेष करके दो भगवान का विशेष नाम आया। बोले कौन है हमारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छे दो भगवान हैं? बोले एक भगवान राम है और एक भगवान श्याम है। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जिस वंश में तुम लोग आए हो, यादव लोग हैं ना तुम लोग, तो कृष्ण की कृष्ण वंश में तुम लोग आए हो, बड़े भाग्यवान हो जो यादव वंश में तुम लोग जन्म लिए हो। अभी यादव कथा सुना भी, इसलिए अभी श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की जन्म की कथा सुनाएंगे। जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, उनकी तो आंखों को सामने सब भगवान की, एकदम सीरियल जैसे उनका आंखों को सामने सब प्रकट हो गया। उन्होंने किया क्या, जैसे बहुत गर्मी से कोई आ रहा है, छाती फट रहा है प्यास के मारे, एक ग्लास किसने तुम्हें लस्सी दे दिया, फिर क्या करोगे, एक साथ साथ में ढक ढक करके पी लोगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी सोच रहे थे कब कृष्ण कथा आए, और जी भर करके मैं कब कृष्ण कथा को बोलूं,
उन्होंने तो एक श्लोक नहीं, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए, कैसे कृष्ण गोकुल में गए, वहां पर कैसे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कैसे वहां पर उत्सव भयो, कैसे पुतना अगासुर बकासुर तुम्हारे, कृष्ण कैसे गिरिराज को धारण किया, कृष्ण कैसे रास रचाया, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस को उद्धार किया ठाकुर जी, कैसे उन्होंने गिरिराज महाराज की जय गिरिराज धारण किए, कैसे द्वारका में जाकर के 16,108 पटरानियों से कैसे उनकी शादी हुई, कैसे और हर स्त्रियों से उनको 10-10 बेटे एक एक बेटी कैसे हुई, और उनको कैसे उन्होंने ऋषियों के अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में गए, और उनने कृष्ण अपना लीला को समाप्त करते हुए उन्होंने गोलोक वृंदावन में चले गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस इतना बोल करके ना उन्होंने कथा को विश्राम दे दिया। परिकृति महाराज बोले क्या हो गया, बोले बोल दिया ना पूरा कृष्ण कथा, बोले मैं तो 4 दिन से टक लगा कर बैठा हूँ तब श्री कृष्ण की कथा सुनो, आप तो एक श्लोक में पूरा कृष्ण कथा को बोल दिए, मेरे को आनंद नहीं मिला, आप कृष्ण कथा को विस्तृत रूप में बोलो, मेरे तरफ में देखो उधर क्या देख रहे हो, मेरे तरफ में देखो सब बाद में उधर देखना, इसलिए उन्होंने बोले विस्तृत रूप में उन्होंने सुनाओ, तो उन्होंने विस्तृत रूप में कथा सुनाए। बोले जिस समय श्री देवकी को साथ में वसुदेव महाराज की शादी हुई, कंस स्वयं उन्होंने सारथी बन करके देवकी वसुदेव को विदाई दे रहे थे, और बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक सारथी बन करके विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगा, इसलिए न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, मैंने से तलवार निकाल कर चोटी पकड़ ली और मारने जा रहा था, वसुदेव महाराज ने देखा ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगी, इसी तरह से हमें देवकी को बचानी चाहिए। उनने तरह तरह से साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश किया, उसने सुनाई नहीं, बोले देख तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बोले हाँ, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चे को तेरे को दे दूंगा, लेकिन देवकी को तुम मत मारो, ठाकुर को जो इच्छा है। पहला बेटा जब हुआ उसमें जब देने के लिए गया उसका हृदय तो पानी पानी हो गया है, अपना बेटे को बिरचु को हाथ में, बोले भैया मैं संतुष्ट हूँ ये बच्चे को ले ले, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा संबंध है। नारद जी ने देखा भगवान कब आएंगे, जब पाप की घड़ा भर जाए, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना उमड़ रहा है, ए बच्चों बात मत करो, वहां पर बच्चों को जो बात करे उसको बाहर निकाल देना। इसलिए उन्होंने क्या हुआ, इतने में पहला बच्चे को जब छोड़ दिए, बोले ठाकुर तब आएंगे जब पाप की घड़ा भर जाए, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भाव उमड़ रहा है, ठाकुर जी आने में देर करेंगे। इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते उन्होंने कहाँ पर आ गए, मथुरा में आ गए, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय और एक एकांत स्थान में बुलाया, बोले जानते हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, बोले स्वर्ग से, मैंने देखा ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, बोले और कोई नहीं ये जितने स्वर्ग के देवता लोग हैं ये तेरे को मारने के लिए षड्यंत्र बना करके ये यादव वर्ग में जन्म हुए, ये कौन कह रहे, नारद जी कह रहे, इसे जितने यादव है कौन है वो साधारण नहीं, ये स्वयं सारे देवता लोग ही भगवान की जो भक्त लोग हुई ये कंस को मारने के लिए ये यादव वंश में जन्म हुई, ये नारद स्वयं कह रहे हैं, इसलिए जो यादव है कौन है, तो कृष्ण के परिवार है, ये भगवान कृष्ण के परिवार है, इसलिए कृष्ण यादव वंश में जन्म हुए, क्यों ये जदु वंश में ये यादव है, ये जदु कौन थे, बोले जिसने नहीं किया, बोले नहीं
ये जीवन जो हमें मिला है भगवान की भजन के लिए मिला, ये विषय भोग के लिए नहीं मिला। इसलिए मैं ये जीवन को विषय में नहीं गमाऊंगा, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। इसलिए कृष्ण संतुष्ट होकर के ये जद्दू महाराज का वंशन है ये आए, इसलिए उनको क्या कहते यादव। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री जद्दू वंश की, यदि यादव लोगों की, बोले जितने यादव हैं सब देवता लोग इंसान रूप में आए तेरे को मारने के लिए षड्यंत्र बना करके आए। जितने गोपियां ये और कोई नहीं, स्वर्ग के जितने देवियां हैं ना सब गोपी, जानते ये गोपी एक गुजर है ना, कहते गुजर, ये गुजर कह नहीं, ये कृष्ण की जब कृष्ण वृंदावन में रहे ये जो गोपी है ना सब गुजरी है। और कृष्ण जब बड़े होकर के मथुरा में गए सब यादव है, लेकिन मैंने सुना ये गुजर यादव में तो कभी बनता नहीं, लेकिन बननी चाहिए। क्यों? कहते कृष्ण जब वृंदावन में रहे वो गुजर है, और वही कृष्ण जब मथुरा द्वारका में आए वो यादव है। वो तुम एक ही परिवार के हो, अलग परिवार के नहीं, तुम एक ही परिवार, यादव और गुजर वो एक ही परिवार है, कि तुम लोग कोई अलग नहीं, इसलिए झगड़ा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अभी जब बोले देखो तब उनने कमल फूल लेकर के आए थे, बोले बताओ तो इसमें आठ पंखुड़िया, ये पहला नंबर कौन, आठवा नंबर कौन, बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले उल्टा गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच सात आठ, बोले समझ गया, बोले नहीं, बोले गुरु के बगैर फरी ज्ञान होता है, बोले तू तो इधर से गिन रहे हो एक दो तीन चार, अगर देवता लोग उल्टा से गिने तो क्या होगा, जिसको एक कर रहे हो आठ हो जाएगा, और जिसको आठ बोल तो हो जाएगा एक। बोले गुरु जी अब क्या बताना चाहते हो, बोले समझ में नहीं आ रही है, इस आठ भाई जब जन्म लेंगे बड़े होएंगे, बड़े होकर के ना तुमको सबके सब मारेंगे। बोले गुरु जी फिर मैं सबको मार दूँ, बोले भैया मैं क्यों बोलूँ, तू जानता तेरा बात यार भड़का दिया था, आज कंस ने एक एक करके आठ बच्चों को नहीं मार डाले, छः बच्चों को मार डाले, और सप्तम गर्भ में कौन आए साक्षात दाऊ भैया, और अष्टम गर्भ में कौन आएंगे श्री कृष्ण कन्हैया, अभी भगवान कृष्ण आने वाले। जब ठाकुर जी आने वाले, देखो अभी साधारण मोदी आए, अगर मोदी आए तो उसके लिए कितने स्वागत हैं, और सारा दुनिया की जो मालिक भगवान जब आएंगे तो उसके लिए कितने स्वागत नहीं होने चाहिए। कहते ये पृथ्वी एकदम दुल्हन का भाग्य पृथ्वी सब धज गई, बोले क्यों, बोले मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। और जो यमुना नदी कलकल नाद से यमुना जी, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कलकल नाद से बह रही थी, कृष्ण की जयकार कर रही थी। अब कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन कमल फूल खिल गया रात में। और जितने चंद्रमा कृष्ण जन्म हुई है अष्टम का रात, भादो की महीना महीना में रोहिणी नक्षत्र में प्रभु जन्म हुए, और अष्टम का चंद्रमा आधा होता है, लेकिन आज चंद्रमा एकदम पूर्ण चंद्र रूप में आज प्रकट हो गए। क्यों? आज मेरे वश में ठाकुर जी आ रहे, ए माता जी उधर जाओ। इसलिए आज भगवान कृष्ण ठाकुर जी जन्म हो रहे हैं, सारा दुनिया में जयकार हो रहा है, हाँ सारा दुनिया कृष्ण कन्हैया लाल की जयकार कर रहे थे, और सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के भगवान को स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रि सत्य सत्य स जोनी च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक शरणम प्रपद्ये। सारे देवता स्तुति सब कर रहे थे, सारे देवता स्वागत कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण ठाकुर जी रात 12 बजे कहाँ पर प्रकट हुए? कहते कंस की कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। सब ताली बजाओ सब लोग। ठाकुर जब प्रकट हुए इतने में देवकी वसुदेव बोले, बोले प्रभु आपको हम तो पुत्र रूप में प्रार्थना किया था, आप तो 16 साल के, आप तो चमकले चमकले कपड़े और घुंघरा ली के शंख चक्र गदापट में लेकर के आए। बोले बोले ऐसे क्यों आए? बोले पूर्व जन्म में तुम दोनों कृष्ण सुतपा थे, और बिना खाए पिए 10,000 साल तक कुछ पत्ते खाकर भजन किया। मैं जब दर्शन दिया बोले वर मांगो, तुम दोनों ने कहा आप जैसे बेटा मेरे को, मेरे जैसे तो कोई बेटा होता ही नहीं, इसलिए बोला मैं ही बेटा बन करके आ जाऊँगा, अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊँगा, अभी मेरे को लेकर के गोकुल में रख लेना,
और वहाँ पर एक छोटी बच्ची जन्म हुई, उसको वहाँ से ले आना। जब ठाकुर की हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, पैर में श्रृंखला है और बड़े बड़े तालाब पहरेदार, बोले चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर रख लो, सारे दरवाजा खुल जाएंगे। हाँ इधर सुना, मेरे तरफ से देखो, ठाकुर जी क्या शिक्षा देते हैं, कहते केवल तू मेरे को अपना सर पर रख ले, मेरे सारे बंधन भूल जाएगी। इसका मतलब है, अगर हम घर में कोई काम करते हो, क्या करो, सबसे पहले ठाकुर जी सेवा के लिए सोचो। हाँ जैसे बच्चे का बर्थडे है, पहले देखो ठाकुर जी के लिए कपड़ा है कि नहीं, अपना लिए बच्चे के लिए कपड़ा मत देखो, पहले ठाकुर जी के लिए कपड़ा है कि नहीं, हैं हमारे भगवान के लिए पोशाक है कि नहीं। जैसे हम सारे दुनिया को शादी हो रही है, सारा दुनिया को शादी में बुलाएंगे और पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा खिलाएंगे, लेकिन ठाकुर जी जो देने वाले ठाकुर चुपचाप बैठे हैं, ठाकुर को भोग नहीं लगाते हैं। लेकिन क्या करनी चाहिए, सबसे पहले मेरे तरफ में देखो, इधर माता है, अरे मेरे तरफ में देखो, उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। इसलिए कोई भी काम करने से पहले पहले ये चीज को देखो, ठाकुर जी के लिए है कि नहीं। ठाकुर जी को अगर सुंदर से श्रृंगार करोगे, ठाकुर जी को बढ़िया करके खिलाओगे ना, अपने आप तुम सजग जाओगे। देखो उदाहरण देते हैं, जैसे अपना शरीर को बढ़िया करके सजाओ और शीशा के सामने खड़े हो जाओ, आप देखना अपना शरीर को जैसे सजाओगे ना, वो परछाई अपने आप सज जाएगी। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, कहते परछाई हम, मूल कौन, ठाकुर। जो जितने ठाकुर को अच्छी तरह से सेवा करोगे, उनकी पूजा करोगे, ठाकुर जी को श्रृंगार करोगे, तुम उतना ही सुंदर रूप में सज जाओगे। अगर ठाकुर को श्रृंगार नहीं करोगे दिन में, अपना कपड़ा तो दिन दो बार बदला देते हो, और ठाकुर जी 10-15 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे, और दिन में दो बार नहा लेते हो गरीब में, ठाकुर जी को एक दिन भी स्नान नहीं कराते, नहीं, रोज ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर को पूजा करो, ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर को सुंदर श्रृंगार करो, अपने आप तुम सज जाओगे। अभी वसुदेव महाराज जा रहे हैं, दरवाजा खुल गई, ऊपर में अनंत देव रिमझिम बारिश हो रही थी। अभी यमुना में जब प्रवेश किया ना, कृष्ण को चरण स्पर्श करके नीचे उतर गई, जोग माया के सियार बन करके आ गई और सामने सामने चल रही थी, बोली इतना पानी, तब उन्हें पार करके कहाँ चले गए, गोकुल चले गए, और उन्होंने बेटे को रख करके वहाँ से बेटी को लेकर के आ गए। देखो आज हम लोग ने जो कथा सुनी है, कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुई, कल जो सवेरे कथा सुनेंगे, पहले पहले कृष्ण कैसे नंद के लाला बन करके, कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए, ये कथा सबसे प्यारी कथा, बड़ी सुंदर कथा। इसलिए कल आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आना, कितने बजे आओगे, अरे बोले जोर से, अरे पीछे की माता को चुपचाप बैठे, कितने बजे आओगे, पीछे माता को पता है 8 बजे से पहले तो हम आएंगे नहीं, कथा से पहले आनी चाहिए, कथा के पहले आनी चाहिए। इसलिए जब कथा हो रहा है, प्रसाद भी, माताओं का सबसे बड़ा चिंता खाना कौन बनाएगा, यहाँ तो प्रसाद बन ही रहा है, जब यह प्रसाद और कथा प्रसाद दोनों है, इसलिए थोड़ा जल्दी आएगा, ठीक है ना, कल से 5 बजे आ जाना। नियम है, कथा बोलने वाले जो प्यास है, आने से पहले वक्ता आ जानी चाहिए, लेकिन कथा बोलने वाले तो पहले आ जाते हैं और माताएँ बाद में आती हैं, ठीक है, और कल 3 दिन गंगा बहेगी, उसके बाद में तो बंद हो जाएगी, इसलिए आते रहना, ठीक है। और कल राधा रानी जन्म लेगी, कल कौन सा रंग के साड़ी पहन कर आओगे, बोलो, गुलाबी, सबके सब, दूसरा रंग नहीं होनी चाहिए, गुलाबी रंग होनी चाहिए। और कल भगवान राम की सुंदर कथा सुनेंगे, राधा रानी की जन्म कथा सुनेंगे कल, ठीक है, और कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म लिए, पुतना मासी को कैसे मारे, कल ये सब कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल्य चरित्र को हम श्रवण करेंगे। अभी आज आदेव के बहनों को ले आओ भैया, उनको ले आओ, उनको ले आओ, ले आओ देव की वसुदेव को, क्या कर रहे हो, सजा रहे हो अभी, बोले सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम Oh,
तो सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी और जितने बच्चियां हैं ना लड़कियां आएंगी सबके सब गोपी बन करके आई हो और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके महिला कपड़ा नहीं पुरानी कपड़ा नहीं सब जितने लड़कियां एकदम नई नई कपड़ा पहन करके ठीक है और जितने लड़के हैं छोटे छोटे सब गुलाल लाल बन करके आना कल भगवान मक्खन चोरी करेंगे जितने लड़के सब बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े और लड़कियां बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहन करके सब गोपी और सखा बन कर जाना और जितने सब माता है सबके सब अपने गोपी बन करके कपड़े पहन कर जाना ठीक है। देखो ये छोटे बच्चे हैं इसलिए ज़्यादा इनको पास में नहीं जाते ना उनको दूर से उनको कोई छूना नहीं आप बहुत सारे भक्ति अगर कोई जो प्रणाई पड़ जाता ना उनको ऊपर से दे देना उनको बच्चों को प्यार नहीं छूना तो छोटा बच्चा है ठीक है। प्रभु जी बोल जाते हैं जो नाचना चाहते हैं आज भगवान कृष्ण जन्म हुए जो नाचना चाहते हैं खड़े होकर के भगवान की जन्म उत्सव में नृत्य करें
I don't know.